राजेश मिश्र लेक्चर सीरीज का तीसरा व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर, और हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अध्यक्षता डॉक्टर आर के शर्मा जी द्वारा की जानी है, वो भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी डॉक्टर रवि खनगई जी को, जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास पर, खासतौर पर महाभारत काल पर आपका काफी अच्छा अध्ययन है। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन हेतु डॉक्टर रवि खनगई जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आगे का कार्यक्रम संचालित करें। डॉक्टर रवि खनगई, थैंक यू सर। गुड इवनिंग, आई होप आई एम ऑडिबल सर। या श्योर, डेफिनेटली, या थैंक यू सर। गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम। वी हैव गैदर्ड हियर to pay an academic tribute to the memory of Professor Suresh Mishra sir, the historian par excellence and a gem of a human being. What can be a better tribute for Dr. Mishra sir than having an academic gathering, as he always cherished the intellectually stimulating discourse. I, Dr. Ravi Khandai, Assistant Professor of History at Rashtrasant Chakravarti Maharaj Nagpur University, warmly welcome you all and thank you Professor Sanjay Swarnakar sir for starting this series of lectures. Today is the third series of lecture in the series and will be delivered by distinguished scholar Professor Alok Tripathi, Additional Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi. And I request Dr. Prashant Gaurav, Associate Professor of History from Chandigarh, to please introduce today's speakers. आप सभी विद्वत जन को मेरा नमस्कार। Central इंडिया रिसर्च फाउंडेशन ग्वालियर के द्वारा आयोजित होने वाले प्रोफेसर सूरज मिश्रा मेमोरियल लेक्चर सीरीज के इस तीसरे लेक्चर सीरीज में आज हम सभी उपस्थित हैं। आज के इस लेक्चर का मुख्य विषय रिसर्च रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी सोसाइटी एंड इकोनॉमी पर बोलने के लिए आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी ने समय दिया है, इसके लिए हम सब इनके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी 2009 से असम केंद्रीय विश्वविद्यालय सिलचर में प्रोफेसर रहे थे। वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल न्यू दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर विद्यमान है। वे एक लंबे समय से आर्कियोलॉजी हेरिटेज मैनेजमेंट एवं हायर एजुकेशन के विशेषज्ञ रहे। इन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई कर नए नए आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सामने रखा है। इन्होंने यूरोप अफ्रीका एवं एशिया के कई देशों में यात्रा कर पुरातत्ववेताओं को प्रशिक्षित किया है। एक बात कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की स्थापना की और इसी विभाग में एक महत्वपूर्ण एक्सपर्ट के रूप में काम करते रहे। इन्होंने हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कई पुरातात्विक खुदाइयों का निर्देशन किया है, जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। अर्थात समुद्र के अंदर आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को ढूंढने में विशेष भूमिका अदा किए हैं और सही मामले में आज इस अनुसंधान के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ भी प्रोफेसर त्रिपाठी हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी देश के 10 प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों की सूची में एकमात्र सामाजिक वैज्ञानिक है जिन्होंने पुरातत्ववेताओं को देश में ही नहीं बल्कि यूनेस्को एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र के विश्वविद्यालय में रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित करते रहे। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे पदों पर आसीन रहते हुए प्रोफेसर त्रिपाठी भारत के प्राचीन गौरव और इतिहास को उजागर करने में हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। May I now request Professor Sanjay Swarnakar sir, the person who is in the forefront of organizing this series of lecture, to formally welcome the guests. Thank you, Ravi sir. जैसा कि
हम सभी जानते हैं और जो हमारे नए साथी हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर सुरेश मिश्र मेमोरियल लेक्चर का लाभ उठाने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक स्थापित इतिहासकार थे और उन्होंने खासतौर पर मध्यकालीन भारत पर अपना इतिहास लेखन किया था। आपकी जो इतिहास दृष्टि थी वो काफी तीक्ष्ण, काफी पैनी थी और निरंतर शोध कार्य में संलग्न रहते थे। दुर्भाग्य से 22 अप्रैल इसी साल 22 अप्रैल को आपका कोरोना के चलते निधन हुआ और हमें इतिहास एवं शोध के क्षेत्र में वो आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हुए एक दूसरी यात्रा पर रवाना हो गए। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने अपने जीवन काल में, अकादमिक जीवन काल में 27 पुस्तकों का लेखन कार्य किया था। इसके अलावा करीब 8 स्थापित पुस्तकों का अनुवाद कार्य भी किया, जिसमें ताराचंद, पर्सी ब्राउन आदि महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनकी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया था। उन्होंने अपने लेखन कार्य के अंदर खासतौर पर 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर नए कंसेप्ट के साथ शोध कार्य किया था और उसमें खासतौर पर मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के जो 1857 ईस्वी की क्रांति में संलग्न गुमनाम पात्र थे उनके ऊपर काम किया था और ऐसी अपेक्षा थी कि आगे चलकर इस क्षेत्र में कोई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका आने वाला था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने शहजादा फिरोज जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति के एक बड़े कैरेक्टर थे खासतौर पर मालवा क्षेत्र में, तो उनके ऊपर अपना रिसर्च वर्क प्रमुखता के साथ किया था। ऐसे प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी के अचानक हमारे बीच से चले जाने से हम लोग सभी व्यथित हैं और उन्होंने हमें जो मार्ग प्रशस्त किया है इतिहास विषय को आगे ले जाने का, उस मार्ग पर चलते हुए हम सभी आज यहाँ उनकी स्मृति में आयोजित स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित हुए हैं और इस तृतीय व्याख्यान में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी को हम सब सुनेंगे। मैं मध्य भारतीय इतिहास अनुसंधान प्रतिष्ठान की ओर से प्रतिष्ठान के संरक्षक मंडल के सभी सदस्य, मुख्य संरक्षक डॉक्टर पूरन सहगल सर जो शायद जुड़ गए हैं, डॉक्टर मंजू दुबे, डॉक्टर प्रभास समीर अवस्थी, हमारे प्रतिष्ठान के जो अन्य सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर चारू चित्रा, कार्यकारिणी सदस्य हमारी डॉक्टर चारू पटारे, आप सभी की ओर से मैं आप सभी विद्वानों का, शोधार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओवर टू रवि कंडे जी। Thank you, sir. Live of the Gate people, they continue to inspire us by their work. And before we go to the main lecture of Professor Tripathi, let us try to understand the context of the lecture. And for this, may I now invite Professor Manvendra Kumar Pandit, who is Professor of History at Aligarh Muslim University. Sir. Thank you. Thank you, Ravi ji, very much. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes. Yeah, okay. Good evening, everybody. You know, today's lecture, the title of the today's lecture is very important, very significant, not from the historical point of view, but even from the, you can say that defining the history point of view. And its title is Archaeology, History and Itihasa. You know, archaeology, history and Itihasa, for a general public, for in a common parlance, Itihas means history or history means Itihas. But you know, Itihas is a term derived from the Sanskrit. In Sanskrit, this term is having a specific meaning.
And any this connotation we can use only for the epic poems. And in other words, we can say it's a collection of the written description of important events or epic poems. In other words, we can say it's a story that tells about what happened in the past in the land of India. One thing is quite clear, it includes Mahabharata, Ramayana, and Purana. There is no need to define what is Mahabharata, Ramayana, and Purana. But you know, from the very beginning, there is a controversy, there is a debate associated with this topic. And especially in case of the Mahabharata, Ramayana, and Purana, whatever these poems, whatever these epics contained, we always, our elder generation of the historians, they are not ready to consider them as a history. And they always talk about this thing having a historicity, but to what extent, they are not sure. Our Marxist historians, they also commented on it. They outrightly, in their writings, I found they outrightly rejected these Mahabharatas, Ramayanas, and Puranas having some historicity. But is it the truth? No, it is not the truth. And to your surprise, the first of all, Alexander Cunningham, who took into consideration all the traditions, legends, even the stories associated with Mahabharatas, Ramayanas, in writing about the India, in writing about the history of the different places in India. But in the course of time, archaeology came forward. In the course of time, we have discovered, you know, a large number of the archaeological discoveries took place. And these archaeological discoveries indicated the confirmation and the verification of the place names, even some events, occurrence of the events, archaeologically they are truth. And this process is still going on. And to your surprise, whenever we talk about Mahabharata, our elder generation of the historians, they simply jump and started to claim Mahabharata, it's an epic, it's a fiction, it's a poem, having no historicity. And once I have contested it with the Marxist historians, and luckily thereafter, our eminent archaeologist who dug out the Hastinapur, and thereafter a project initiated to identify the places mentioned in Mahabharata. It's a beginning. And now this debate is going on. Even now our modern generation, even our, you can say this generation of the archaeologists and historians, they are putting their very hard labor to identify these places mentioned in the Ramayana and Mahabharata. And I hope in the coming future, our archaeologists, and if they can easily, they can prove a large and a greater degree of the historicity existed in these epics. These are not the simple epics. So far as the itihas, this term is concerned, you know, in India, even in ancient India, it was defined by different authors, defined by different scholars. And its precise meaning is not only a simple epic poems, and its catchment area, its jurisdiction increases with the course of time. And now it is expanding, very much expanding. And now this topic, you know, needs some justification, needs some work. Or I think not less than Professor Alok Tripathi can do a justice with this thing. He's having a wide experience. He knows the intricacies, and he uses the archaeology to prove the contents in these epics, whether they are false, fake, or a truth. And I think this archaeology, with the help of the tools of archaeology, we can only measure the extent of the historicity in this poem. Or no doubt, it may be possible in future, these epics, with the help of the archaeology, can be considered, would be considered, a true history of India. You know, with these words, I would like to conclude. This theme is having an enormous, you can say,
scope. And I think Professor Alok Tripathi is going to do a justice with this topic and enlightened us. Okay, what is the position right now? Or what would be the position in the future? Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for making distinction between history and itihasa, and in a way setting a tone of today's lecture. And also thanking for how archaeology can be helpful in challenging the different notions that had been pivoting in the history making by and large in our country after independence. And now it is time to move on to the main lecture. And as Professor Alok Tripathi sir has been already introduced, may I now request sir to kindly proceed with the lecture. Thank you so much. It is over to you now. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार. सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर सुरेश मिश्र को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा. जैसा कि अभी बताया गया, प्रोफेसर मिश्र मध्य प्रदेश से थे. मैं भी मध्य प्रदेश से हूं और मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, उनसे चर्चा करने का अवसर मिला. और मध्य प्रदेश में रहते हुए भी प्रोफेसर मिश्र जो है वो देश के दूसरे भागों के विषय पे भी लिखते रहे. और अभी जो मेरी हाल की पुस्तक आई है उत्तर पूर्व भारत पे, उसमें उनका एक आलेख भी उन्होंने दिया. तो वो यानी पूरे देश के इतिहास के बारे में जागरूक थे, लिखते थे और उसके बारे में उनको जानकारी थी. ये आज वो हमारे साथ नहीं है और हम उनकी स्मृति में ये व्याख्यान हो रहा है. इसके लिए मैं प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सेंट्रल इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ये जो एक प्रयास शुरू किया है मासिक व्याख्यान का, और इस श्रृंखला में उन्होंने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ. और जो विद्वत गण यहाँ पे हैं, मैं याद करना चाहूंगा प्रोफेसर शर्मा जी को, जिनसे शुरू के दिनों में जब हम लोग छात्र थे तो जिनसे हम लोगों ने आर्कियोलॉजी और इतिहास को सीखा. प्रोफेसर पुंडीर ने अभी मेरा काम जो है वो काफी आसान कर दिया, उन्होंने काफी कुछ बातें बता दी और जो कुछ कहा गया है उससे लोगों के शायद जिज्ञासाएं बढ़ गई होंगी. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सामान्यतः स्मृति व्याख्यान जो होते हैं वो बहुत वरिष्ठ विद्वानों द्वारा दिए जाते हैं, जिनको की विषय की बहुत गूढ़ जानकारी होती है और वो किसी विषय विशेष पर जो है वो रिव्यू काइंड ऑफ थिंग, उसका समूचा लेखा जोखा देते हैं कि विषय में क्या क्या हुआ, कब, किसने, कैसे, क्या किया, क्या क्या होना बाकी है, क्या हो सकता है, क्या कमियां रही हैं. लेकिन मुझे पता है, मुझे अपने सीमित ज्ञान के बारे में पता है, मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में पता है और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. मैं कुछ बिंदु उठा के आप लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और उस पर अगर चर्चा होती है तो शायद ये एक सार्थक प्रयास होगा. एक कोट जो, चूंकि हम आर्कियोलॉजी की भी बात कर रहे हैं और जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में जो पहला वॉल्यूम लिखा था अपनी रिपोर्ट्स पे, उसमें उन्होंने एक कोट दिया था जिसको मैं अक्सर कोट करता हूँ. और विशेष करके जो यंग छात्र और शोधार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इस कोट ने मुझे जीवन भर जो है बहुत संबल प्रदान किया, मुझे शक्ति दी और मेरा डर भगाया. उन्होंने लिखा है कि इवन पिग्मी ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स कैन सी फार्दर देन द जायंट्स देमसेल्फ. विशाल लोगों के कंधे पे बैठा यानी एक बोना उन विशाल लोगों से भी ज्यादा देख सकता है. और ये बात हमको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी विषय में बात कर रहे हों तो हमसे पहले जो हमारे अग्रज लोग रहे हैं, उन लोगों ने जो शोध कार्य किए हैं, उससे ज्ञान पाकर उनके कंधे पर बैठकर हम कहीं उससे आगे भी देख सकते हैं. और इसलिए हमको जो है अपने विचारों को व्यक्त करने में संदेह नहीं होना चाहिए और हमें ये हिचक नहीं होना चाहिए कि हमारा कद कितना है. तो ये बात जो है विशेष करके छात्रों को और शोधार्थियों को
ध्यान में रखना चाहिए। ये एक चीज है जो कनिंघम की, जिसका मैं हमेशा से जो है वो बहुत ही उसका सराहना करता हूं। तो विषय की जब बात करते हैं तो प्रायः लोग बहुत गूढ़ विषयों की, बहुत तिथियों की, बहुत गहन बातें करते हैं, लेकिन इतिहास जो है वो जनमानस से जुड़ा हुआ है, और वही हम जब पुरातत्व की बात करते हैं तो वो और ज्यादा जो है वो जन सामान्य से जुड़ जाता है, क्योंकि प्रायः ये कहा जाता है कि यहाँ हम जब इतिहास का कह रहे हैं तो हम इतिहास और हिस्ट्री को सिनोनिम लेके चल रहे हैं। आगे जाके हम लोग इतिहास और हिस्ट्री के अंतर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे आप लोग भी इतिहास को ही हिस्ट्री मानते हैं और हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं, तो हम इतिहास शब्द का प्रयोग जो है एज ए सिनोनिम करेंगे यहाँ, और आगे जाके हम उसकी चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और क्या होना चाहिए। तो प्रायः इतिहास की जब बात होती है तो प्रायः वो राजाओं का या वो कुछ विशेष घटनाओं के बारे में हमारे इतिहास की किताबों में बात होती है, लेकिन पुरातत्व से एक जो बड़ा अंतर होता है कि आप जब उत्खनन करते हैं और आपको जो अवशेष मिलते हैं तो वो जो है एक सामान्य आदमी के होते हैं। हो सकता है कि वो किसी लुहार के घर में आप खोद रहे हो, या हो सकता है कि वो किसी एक बीट मेकर का घर हो, या हो सकता है कि आप गली में खोद रहे हैं तो वहां से निकलने वाले हर व्यक्ति का जो प्रमाण वहां छूटा होगा वो आपको मिल सकता है। तो इतिहास और पुरातत्व वास्तव में जन सामान्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, और हम अगर उसको उसी रूप में अपने आसपास देखने का कोशिश करें, सामान्य सी चीजों को अगर हम देखें, एनालाइज करें, उस पर चर्चा करें, तो हमको कुछ कई सारी बातें निकल के आती हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है मेरे छात्रों को भी कि बड़ा तो बहुत कुछ है वो आप करेंगे, पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज में है, किताबों में है, लेकिन जो हमारा इतिहास दृष्टि है वो बहुत छोटी सी चीजों से शुरू होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों को देखने का प्रयास करें। तो आज की इस चर्चा में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, जो विषय है आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड इतिहास, तो निश्चय ही जब जिसने भी इसे पढ़ा होगा, शायद मुझे आशा है कि इसको पढ़कर आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न आया हो कि पुरातत्व व इतिहास क्यों। मैं पुरातत्वविद हूं तो मुझे शायद पुरातत्व के बारे में बात करना चाहिए, या पुरातत्व जब आप करते हैं तो इतिहास का पुनर्निर्माण उससे होता ही होता है, तो फिर पुरातत्व और इतिहास दोनों क्यों, और फिर जब इतिहास की बात अगर हो रही है तो हिस्ट्री और इतिहास क्यों। तो अगर ये प्रश्न आपके जहन में आए हैं तो आज के इस जो चर्चा है उसका जो उद्देश्य है वो लगभग 50% जो है वो पूर्ण हो जाता है। अब पुनः एक प्रश्न उठता है कि चर्चा तो प्रारंभ ही नहीं हुई, उद्देश्य कौन सा था और जो पूरा हो गया। तो प्रश्न यहां, इसका जो उत्तर है वो प्रश्न में ही निहित है, और वो है प्रश्न व्हाई, क्यों, क्यों पुरातत्व, क्यों इतिहास, क्यों हिस्ट्री और क्यों इतिहास। तो ये जो प्रश्न है, ये अगर हम इतिहास और पुरातत्व में करें तो हमारा जो प्रयास होते हैं वो ज्यादा सार्थक हो जाते हैं। और मैं आज की इस चर्चा में इस प्रश्न के आसपास ही अपने आप को केंद्रित रखूंगा, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि जब हम इतिहास या पुरातत्व करते हैं तो हम प्रश्न नहीं करते, और मैं इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। और अगर हमने प्रश्न किए होते तो हमने क्या किया होता। तो प्रश्न जो करना है वो एक बहुत जरूरी चीज है, और किसी भी विज्ञान का मूल या किसी भी शोध का जो मूल होता है वो प्रश्न होता है। प्रश्न कई होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई। इसमें से जब हम अपना इतिहास को अगर देखें, सामान्य इतिहास की बात कर रहे हैं, कुछ विद्वानों को छोड़ दें, कुछ शोधार्थियों को छोड़ दें, तो हम व्हाट, व्हेन और वेयर पे जाके रुक जाते हैं, क्या, कब और कहां। तो उसके आगे हम लोग जो है बाकी अगर और थोड़ा होता है तो हाउ और वू की बात भी कर लेते हैं, लेकिन वाई प्रश्न को प्रायः हम पुरातत्व और इतिहास में छोड़ देते हैं।
और एक और जो हमारी अच्छी आदत कह लीजिए और शायद वो उतनी ही बुरी है कि हम अपने पूर्ववर्ती विद्वानों पे या अपने वरिष्ठ विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं और हमको एक तरह से ये सिखा दिया जाता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ लिख दिया है तो बस अब इसके आगे इस पे क्वेश्चन मत करो। ये जो एक चीज सोशल साइंस में और विशेषकर इतिहास में होती है वो एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है। जो लिखा है उस पे भी क्वेश्चन होना चाहिए, जो कहा गया है उस पे भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इतिहास और पुरातत्व वो विषय हैं जो स्टैटिक नहीं है। और मैं अपनी क्लास में अपने छात्रों को अक्सर कहता हूं जब पुरातत्व की बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी शब्द ए से शुरू होता है और वाई पे खत्म होता है, उसमें जेड नहीं होता है। और ये इस विषय को बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या करता है कि हम प्राचीनतम सबसे पहले सबसे शुरू से करते हैं लेकिन उसमें अंतिम कुछ नहीं है, उसमें हमेशा कुछ और करने के लिए स्कोप है। और जैसे जैसे नए प्रमाण आते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसे नए दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें आपको नई चीजें मिलती जाएंगी और वो अनवरत है, उसमें कभी जेड नहीं आ सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि जो फाइनल है, चाहे हम अभिलेख के आधार पर बात करें, चाहे हम मटेरियल एविडेंस के आधार पर बात करें। अगर हमको एक अभिलेख में कुछ लिखा मिल गया है तो हम मान लेते हैं कि बस ये तो अभिलेख में लिखा है तो ये तो यानी ब्रह्म वाक्य है, लेकिन हो सकता है कि आपको एक दूसरा अभिलेख मिल जाए जो कुछ और कह रहा हो, और ऐसा होता है। तो प्रश्न होता है कि वो अभिलेख लिखने वाला कौन था और उसने वो अभिलेख क्यों लिखा। ये जो प्रश्न है कि हम ये मान लें कि भाई ये हमें लिखा हुआ मिल गया या किसी पुस्तक में लिखा हुआ है तो बस वो सच है, तो अगर वो लिखा भी है, चाहे वो पत्थर के ऊपर खुदा है, तो भी उस पर प्रश्न किया जा सकता है। और वैसे बहुत प्रमाण है कि वो पहले हमको कहीं कुछ लिखा मिला, कुछ पढ़ा गया और बाद में जो है वो कुछ और निकला। तो ये एक अनवरत शोध है जो हमेशा चलता रहता है और ज्ञान के यानी वृद्धि के लिए ये जरूरी है कि हम जो है इस प्रश्न को हमेशा करते रहें। अब हम शुरुआत करते हैं पुरातत्व को लेकर ही कि जब हम पुरातत्व की बात करते हैं भारत में तो मुझे अक्सर लगता है जब लोगों से बात करता हूं और जो कभी कभी पढ़ते हैं कि हमारी पुरातत्व की जो कल्पना है वो बड़ी वेग है और अलग अलग लोगों के लिए पुरातत्व अलग अलग है। कुछ लोग किसी चीज को पुरातत्व मानते हैं, किसी चीज किसी और को पुरातत्व मानते हैं और उनका जो पुरातत्व का कॉन्सेप्ट है वो कुछ और ही होता है। हम जानते हैं कि प्राचीन मूर्तियों के अध्ययन पुरातत्वविद करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि मूर्तियों का अध्ययन जो है वो मूर्ति शास्त्र है, वो पुरातत्व शास्त्र नहीं है। प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन पुरातत्व में होता है, लेकिन अभिलेखों का अध्ययन जो है वो पुरालिपि शास्त्र है, टिपिग्राफी है, वो आर्कियोलॉजी नहीं है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन पुरातत्व में होता है, लेकिन सिक्कों का अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र है, न्यूमिस्मेटिक है, वो आर्कियोलॉजी नहीं है। पुरानी पेंटिंग्स का और कला का जो चित्र है वो कला है। प्राचीन मंदिर भवनों के अवशेष इत्यादि उनका जो अध्ययन है वो स्थापत्य है, वो भी पुरातत्व नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि पुरातत्व क्या है, किसे हम पुरातत्व कहें। ये बहुत सामान्य सा यानी फंडामेंटल चीजें हैं, शायद लोगों को लग रहा हो कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन जरूरत है क्योंकि जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं कभी उनसे भी ये नहीं पता चलता कि पुरातत्व क्या है। जब हम पुरातत्व की बात करते हैं तो वास्तव में आज पुरातत्व भी अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को पुरातत्व कहा जाता रहा है, लेकिन आज हम जब 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं तो पुरातत्व उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो पुरातत्व है। अब ये अवशेष सिक्के भी हो सकते हैं, मूर्तियां भी हो सकते हैं, ये भवनों के अवशेष भी हो सकते हैं, कुछ और भी। तो ये जो फाइन डिफरेंस है कि एक सिक्का अगर उत्खनन से मिल रहा है तो वो पुरातत्व के अंतर्गत आएगा और एक दूसरा सिक्का जो किसी कलेक्शन में है वो न्यूमिस्मेटिक्स का पार्ट है।
तो ये जो फाइनर डिफरेंस है वो हम लोग कहीं नहीं समझ पाए या नहीं हम समझाते हैं। अब जब हम बात करते हैं उत्खनन की, तो एक प्रश्न होता है कि उत्खनन क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिर प्रश्न है कि प्रायः ये माना जाता है इतिहासकारों द्वारा और पुरातत्वविदों द्वारा भी कि जब हम खुदाई करते हैं वही पुरातत्व है, खुदाई यानी खोदना। अब जब प्रश्न आता है खुदाई का, तो यदि आप उसे शब्दकोश में देखेंगे तो कोई भी खुदाई खुदाई है, चाहे वो आप नाली खोद रहे हो, चाहे आप घर की नींव खोद रहे हो, या आप जो है सड़क के लिए खुदाई कर रहे हो, किसी तालाब की खुदाई कर रहे हो, वो खुदाई है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक उत्खनन की, तो उसका एक बड़ा डिफाइंड, उसकी एक डेफिनेशन है यूनेस्को 1956 का जो रिकमेंडेशन है, वो एक्सकेवेशन को बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है। पुरावशेषों को खोजने का कोई भी व्यवस्थित क्रम वो उत्खनन है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि खुदाई हुई या खुदाई नहीं हुई। वो जमीन के ऊपर यदि आप उसको खोज रहे हैं तो भी वो उत्खनन है, आप गड्ढा खोद के उसके अंदर खोद रहे हैं तो भी वो उत्खनन है, वो जमीन के ऊपर है तो भी उत्खनन है, वो पानी के अंदर है तो भी उत्खनन है। तो ये जो हमारी सोच या हमारी समझ का जो भ्रम है, इससे हमारे अध्ययन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और भारत जैसा देश जो कि पुरावशेषों में दुनिया में सबसे रिच है, वहां हम पुरातत्व और इतिहास के स्तर को यदि देखें तो हम अपने आप को आज दुनिया में बाकी देशों में और बाकी स्थानों से बहुत पीछे पाते हैं। और शायद उसका कारण यह है कि हम वर्तमान के दृष्टिकोण से इन चीजों को उतनी बारीकी से हम समझ नहीं पाए, हम उस हिसाब से अपने छात्रों को समझाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। और आज भी हम 20वीं शताब्दी का जो ट्रेडिशन था, बहुत कुछ उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारी प्रश्न करने वाली जो यानी जो हमारी आदत नहीं है, या जो हम आशु विश्वासी हो गए हैं कि भाई उनने कहा या हमारे शिक्षक ने कहा, जैसा कि होता है कि अगर आप बच्चा घर में आता है, अगर आप उसको कोई सही बताएं स्पेलिंग या उसका प्रोनाउंसिएशन, वो कहता नहीं मिस ने तो ये कहा था, तो मिस ने जो कहा वो उसको मानता है, आप जो उसको बताएंगे वो उसको नहीं मानेगा। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है कि हमको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम किसी एक में या किसी विशेष में इतना विश्वास करने लगते हैं कि हमारे आंखों के सामने प्रमाण होते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कि चाहे वो एपिक्स के बारे में हो, चाहे वो अन्य विषयों के बारे में हो, तो उस सब का कारण वही है कि चूंकि एक बार लोगों ने कुछ कह दिया तो हमारी आंखों के सामने प्रमाण होते हुए, हमारे हाथ में प्रमाण होते हुए भी हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम अपने इतिहास को अपने दृष्टिकोण से कह सकें, क्योंकि पहले कुछ कहा जा चुका है, पहले कुछ लिखा जा चुका है। और ये जो है परिसीमन जो हमने अपना कर लिया है, वो जो है वो हमारी प्रगति में और विषय की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है। पुरातत्व की जहां बात करें, पुरातत्व को ज्यादातर लोगों द्वारा इतिहास का यानी समकक्ष समझा जाता है, जैसे इतिहास है वही पुरातत्व है, या जैसे कि हिस्ट्री और पुरातत्व एक है, वैसे ही इतिहास और पुरातत्व भी एक है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, मध्य प्रदेश का पुरातत्व, मध्य प्रदेश का इतिहास हो सकता है लेकिन पुरातत्व मध्य प्रदेश का नहीं हो सकता, क्योंकि पुरातत्व एक विषय है, या जो है किसी एक विशेष जिले का, दुर्ग जिले का पुरातत्व। तो दुर्ग जिले में पुरातात्विक अवशेष हो सकते हैं, पुरातात्विक अध्ययन हो सकते हैं, लेकिन उस जिले विशेष का पुरातत्व नहीं हो सकता, उसका इतिहास हो सकता है। तो हमने उसको, इसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि हम उस विषय को नहीं समझे, या भाषा की वजह से हमको एक परेशानी आ रही है कि हम उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं। जनरलाइजेशन पे हम लोग आएंगे, जनरलाइजेशन भी भारत के इतिहास में ओवर जनरलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है।
जिससे हम बहुत सारी चीजों को उस रूप में व्यापक रूप में नहीं समझ पा रहे हैं जैसा कि वो होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारा जो इतिहास है या हमारे द्वारा जो लिखा हुआ इतिहास है वो विश्व स्तर के इतिहासकारों के रूप में अपनी वो स्थान नहीं बना पाता। हमारे क्षेत्रीय रूप से बहुत अच्छा है, अगर मैं मध्य प्रदेश में ये लिखूं मध्य प्रदेश का पुरातत्व तो लोग उसको बहुत सराहेंगे, लेकिन अगर मैं इसको कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूंगा तो लोग देखेंगे कि ये क्या बात कर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग कहते हैं इंडियन आर्कियोलॉजी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस विषय पे चर्चा की थी। तो ये जो हमारा सोच है इन सब के पीछे एक लंबा इतिहास है। यदि आप देखें एशियाटिक रिसर्चेस की अगर आप अर्ली वॉल्यूम्स देखी है तो जब अंग्रेज भारत में आए, ये हमको मानना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, ये हमारे लिए बहुत नए विषय है और इनकी शुरुआत जो है वो अंग्रेजों ने की थी। और जब अंग्रेजों ने की तो वो जिनने शुरुआत की थी वो न तो इतिहासकार थे न वो पुरातत्वविद थे, या तो वो आर्मी ऑफिसर्स थे या वो सिविल ऑफिसर्स थे। उन्होंने अपनी रुचि से कुछ करना शुरू किया और हमने उनको जो है वो मूर्धन्य विद्वान मान के जो उन्होंने कहा था जो उन्होंने लिखा था उसको हमने आंख बीच के वैसा ही मान लिया। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा अजूबा था, ये सब हम जानते हैं। तो उनने ना ऐसे लोग देखे थे, न ऐसा देश देखा था, न ऐसा क्लाइमेट देखा था, न ऐसी चीजें देखी थी। तो उनको भारत में जो भी दिखा उन्होंने उसको हर चीज को इंडियन कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छपा हुआ है, आप एशियाटिक रिसर्चेस के अर्ली वॉल्यूम्स देखें तो वो इंडियन जियोलॉजी, इंडियन बॉटनी, इंडियन जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन म्यूजिक, इंडियन लिटरेचर, हर चीज को इंडियन कहते थे। और बाशम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, तो इंडिया वाज अ वंडर फॉर देम, उनके लिए वो सामान्य देश नहीं था, यहाँ के लोग सामान्य नहीं थे, यहाँ की भाषा सामान्य नहीं थी, यहाँ का संगीत सामान्य नहीं था, वो सब उनके लिए अजूबा था और वो उसको उस दृष्टि से देख रहे थे। तो उन्होंने हर चीज को इंडियन कहा। लेकिन वैज्ञानिक चूंकि प्रश्न करते हैं तो थोड़े समय बाद उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया कि यहाँ का हाथी भी वैसे ही होता है जैसा कि किसी अफ्रीका का होता है, तो फिर इंडियन जूलॉजी क्यों होना चाहिए। तो उन्होंने इंडियन शब्द को ड्रॉप कर दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ के पेड़ पौधे भी वैसे ही होते हैं जैसे दुनिया में सब जगह होते हैं, तो इंडियन बॉटनी जो है वो बॉटनी बन गई। लेकिन आर्कियोलॉजी के साथ जो इंडियन था वो परिवर्तित नहीं हुआ, वो इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो आज तक चली आ रही है। एज सच कि भारत का जो यानी पुरातत्व विज्ञान है वो दूसरे देशों से या दूसरी जगहों के पुरातत्व विज्ञान से अलग है, और वो भी एक कारण है कि हमने जब पहले कहा कि इंडियन आर्कियोलॉजी, फिर हमने कह दिया कि भाई एमपी की आर्कियोलॉजी, राजस्थान की आर्कियोलॉजी, गुजरात की आर्कियोलॉजी, हमने सब आर्कियोलॉजी को भी राज्यों में फिर जिलों में और हर जगह तक पहुंचा दिया। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं। प्रश्न ये है, जो मेरा प्रयास ये है कि हम इन चीजों को देखें कि हम जो कह रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, क्या हम उसको सोचते हैं। प्रश्न सोच का है कि लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय क्या हम सोचते हैं इतिहास और पुरातत्व में। मेरा प्रयास उस ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का है। तो इतिहास का यानी पुरातत्व का जो प्रारंभ हुआ उसको भी अगर आप देखें तो सबसे पहले जब प्राचीन साहित्य का ट्रांसलेशन शुरू हुआ दैट वाज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, हमने शकुंतला का या मनुस्मृति का जो अनुवाद किया दैट वाज कंसीडर्ड एज आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। उसके बाद सिक्के इकट्ठे करना शुरू कर दिया और उनको सिक्कों के ऊपर जो एपिग्राफ थे उनको पढ़ा गया, दैट वाज कंसीडर्ड आर्कियोलॉजी। उसके बाद अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा, वो आर्कियोलॉजी हो गई। 1857 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है देश में और फिर सब कुछ बदलता है। उस समय तक जो वास्तव में आर्कियोलॉजी है, उत्खनन या अवशेषों का एनालिसिस, उनका इंटरप्रिटेशन, वो तब तक नहीं आया था। 1961 में जब कनिंघम ने अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू किया, वो भी जो है वो स्मारकों का डॉक्यूमेंटेशन था, तब भी एक्सकेवेशन उसका पार्ट नहीं था। 1971 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई
1902 में जब मार्शल आते हैं, मार्शल का बड़ा स्पष्ट है, वो अपनी पहली रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य जो ये स्मारक है इनको बचाना है और जो जमीन में दबा हुआ है उसको खोद के उसका स्टडी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। फिर मूल प्रश्न ये है कि ये जो सारे काम हो रहे थे उनका उद्देश्य भारत का इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं था। वो स्पष्ट लिखते हैं कि जो दबा हुआ है पुरावशेष है उनका अध्ययन करना हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है। जो ऊपर है जो दिख रहे हैं इनको इनका रिकॉर्ड कर लेना, इनको डॉक्यूमेंट कर लेना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और उसके फिर एक यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे थे वाई की, ये सब होने के बाद भी एक इतिहास लिखा गया। अभी मैं पुरातत्व तक सीमित कर रहा हूं, मूल इतिहास पे नहीं आता हूं, पुरातत्व का इतिहास लिखा गया। और उसमें ये सब लिखा गया कि ये सारे जो विद्वान थे वो इतने डेडिकेटेड थे भारत का इतिहास लिखने को कि वो अपना काम छोड़ के जो है ये सब काम किया करते थे। लेकिन अगर फिर आप एक प्रश्न करें कि वो ये सब क्यों कर रहे थे, उसके लिए अगर फिर आप मूल दो चीजें हैं, एक जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और स्वतंत्र होने से हम लोगों ने जो अपना एक इतिहास बनाया जिसमें हम लोगों ने उन लोगों को महिमा मंडित करके ये कहा कि वो लोग यहाँ पे इतनी कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी भारत का जो है भारत का इतिहास खोज रहे थे, जंगलों में जा रहे थे। लेकिन यदि आप उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो सब जो है वो क्यों हो रहा था। और जो सबसे पहले सर्वेयर जनरल जो बनाए गए थे उसकी जो घटना है मैं आपको बिना कुछ कहे हुए उसको सुनाता हूं, शायद अगर आप सोच पाए तो आपको समझ में आएगा कि पुरातत्व का महत्व क्या है। मैं उसे पुरातत्व कह रहा हूं, आप जो चाहें समझें। नवंबर में अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एक इंजीनियर हैं, इलाहाबाद में जो है वो वाइसराय को मिलते हैं और मिलके उनको एक प्रस्ताव देते हैं उत्तर भारत में पुरावशेषों के अन्वेषण का। वाइसराय उस प्रस्ताव को देखते ही उनसे कह देते हैं आप अपना काम शुरू कीजिए, आप सर्वेयर जनरल बन गए, कल से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। ये घटना नवंबर की है। काउंसिल में ये मैटर 26 जनवरी 1862 में डिस्कस होता है। 31 जनवरी को कनिंगम के अपॉइंटमेंट का ऑर्डर इश्यू होता है और काम शुरू हो चुका है। क्या अंग्रेज सरकार भारत के इतिहास और पुरावशेषों के लिए इतनी ज्यादा कंसर्न थी कि वो प्रपोजल को देखते ही कह देती है कि बस अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए, कल से एक दिन भी वेस्ट मत कीजिए? ये प्रश्न आपके लिए विचारणीय है। और यदि आप कनिंगम के करस्पोंडेंस को पढ़ेंगे, आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग वर्ड इन वर्बेटम, तो उस पे वो लिखते हैं कि ये जो पुरातत्विक संबंधी कार्य हैं इसके विषय में इसका महत्व दर्शाते हुए वो कहते हैं कि ये जो है भारतीय सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक महत्व, वो कहते हैं ब्रिटिश जनता के लिए ये काम जो है वो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वो कहते हैं कि भारत के जो ये छोटे छोटे राज्य आपस में यानी बटे हुए हैं, लेकिन जब कोई विदेशी आक्रांता आता है तो ये सब मिलके जो है उससे लड़ते हैं। और फिर वो करता है आई कोट, विच प्रूव दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया मस्ट अल्टीमेटली सक्सीड। तो ये जो अन्वेषण हो रहे थे और ये जो काम हो रहे थे वो भारत का इतिहास पुनर्निर्माण के लिए नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे जो इतिहास और पुरातत्व के जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उसमें अलेक्जेंडर कनिंगम को जो है वो पुरातत्व का जनक लिखा जाता है। और आज भी हमारे विश्वविद्यालयों में वही पढ़ाया जाता है। तो पिछले 100 सालों में हमने ये सोचने कभी प्रयत्न ही नहीं किया
कि ये सब एक बार इस पे हम दृष्टिकोण डालें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न करें। तो बात है कि हम प्रश्न आज भी नहीं कर रहे हैं और जो लिख दिया गया था उसको आज हम आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। बिल्कुल एक यानी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कोल्हू के बैल की तरह। और इतिहास की जो छवि है, हम सब इतिहासकार हैं लेकिन आप सब जानते हैं कि इतिहास की जो छवि भारत में है वो एक उस विषय के रूप में है जिसका रट्टा मारा जाता है ना, कि रात को पढ़ा सुबह सब सफा हम लोग कहा करते थे जब स्टूडेंट थे, क्योंकि ये हमने अपने विषय को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इतिहासकार प्रश्न करता है, खोज करता है, एनालाइज करता है, आर्ग्यू करता है और उसके बाद फिर वो रिकंस्ट्रक्शन करता है। इतिहास को ये माना जाता है ये तो इतिहास वाले हैं, कहीं से कुछ लिख लाते हैं और बस वो आगे लिख देते हैं। ये सत्य है, हमको अपने विषय में बहुत ही यानी तटस्थ रूप से सोचना होगा कि हम इतिहास को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। और इतिहास की अगर हम बात करें फिर अगर सोचें तो मेरा मानना है कि हमारा जो समग्र ज्ञान है वो सिर्फ इतिहास है। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम काल की बात करते हैं, समय, बट हाउ मेनी टाइम्स हम टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास में, इतिहास में, व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है, टाइम कैसा होता है, टाइम लीनियर है, टाइम वेवी है, टाइम सर्कुलर है, टाइम जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, वो विज्ञान का भी हिस्सा है। वो समय को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, हम समय की बात नहीं करते हैं। तो जब हम किसी घटनाओं को समय में क्रमबद्ध रूप में रख रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि समय है कैसा, समय का स्वरूप कैसा है, हम इस घटना को कहाँ फिट करेंगे, इस घटना के बाद क्या आएगा। हम शायद मान के चलते हैं कि समय आइदर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, क्योंकि अगर जैसा हम लिखते हैं पुरातत्व में पीरियड वन नीचे आता है, फिर पीरियड टू उसके ऊपर आता है, पीरियड थ्री उसके ऊपर आता है, जैसा कि हमको डिपॉजिट मिलता है। बट कभी हमने ये प्रश्न किया कि समय है कैसा, हम उन घटनाओं को कैसे व्यवस्थित करें, उस गहराई में ना जाके बात करते हैं एक बहुत उसमें यानी फिर सामान्य रूप से आके कि समय हम जानते हैं कि हमने हम एक वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना तीन थ्री एज वाला, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो जो निकल चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है जो अभी आया नहीं है, और जो इमेजिनेशन है यानी फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। पास्ट वो है जो निकल गया, फ्यूचर है नहीं, वो हमारी कल्पना है। और प्रेजेंट है जो पास्ट और फ्यूचर को मिलाने वाला, और वो इट्स ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। जब तक आप फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट बोलते हैं वो पास्ट हो चुका होता है। तो वास्तव में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूतकाल है। हमारा जो भी ज्ञान है वो सब निकल चुका है, और जो सब कुछ निकल चुका है वो इतिहास है। तो चाहे आप इतिहास की बात करें, चाहे आप रॉकेट साइंस की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, वो सब भूत में हो चुका है और जो कुछ हो चुका है वो इतिहास है। तो यदि आप बहुत यानी लार्ज स्केल पे सोचेंगे तो जो कुछ है वो सिर्फ इतिहास है। तो इतिहास सिर्फ कुछ राजाओं के युद्ध, उनके जीनियोलॉजी और कुछ ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं है, बल्कि मानव का संपूर्ण ज्ञान जो है वो इतिहास। इतिहास की जो डेफिनेशन है इतिह अस दिस इंडीड हैज हैपन, तो चंद्रमा पे जो यान गया वो भी इतिहास है। मंगल में जो यान गया वो भी हो चुका है, वो भी इतिहास है। तो इतिहास जो है वो सबसे रिच सब्जेक्ट है, सबसे विशाल सब्जेक्ट है। लेकिन यदि हम अपने उस कंपार्टमेंटलाइजेशन से बाहर आके इस इतिहास के बारे में सोचें, हम अपने आप को जो है वो अपने आसपास से जोड़ें और अपनी दृष्टिकोण से इतिहास को देखने का प्रयास करें। अब थोड़ी सी बात करते हैं
कि ये सब ऐसा क्यों हुआ या हम लोग यहाँ पे हमारी जो सोच है वो इतनी सीमित क्यों रही, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं इसमें नहीं, लेकिन भाषा एक बहुत बड़ा जो है वो कंपोनेंट है कि ये सारा जो हिस्ट्री राइटिंग है या ये आर्कियोलॉजी जो है वो अंग्रेजों ने शुरू किया, कुछ विशेष उद्देश्यों से शुरू किया। ये हमको बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो ये शुरू किया उसका उनका एक उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य के बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि किसी उद्देश्य से उन्होंने इसको शुरू किया। और जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अंग्रेजों ने किया तो उनका एक उद्देश्य था, उन्होंने अपनी एक मेथोडोलॉजी बनाई, उसके तहत उन्होंने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर इसको उन्होंने सो कॉल्ड वेस्टर्न एजुकेशन में या मॉडर्न एजुकेशन में जो भारत के लोग थे उनको सिखाया, तो उनने भी वही सीखा जो अंग्रेज उनको पढ़ाना चाहते थे। फिर जब ये भारतीय आगे आए तो इन भारतीयों ने दूसरे भारतीयों को भी वही पढ़ाया जो इनको अंग्रेजों ने पढ़ाया था। तो हमने उसकी मूल भावना या मूल उद्देश्य के बारे में कभी नहीं सोचा। तो वही जो अंग्रेजों का मूल डिजाइन था वो आज भी 2021 में भी मोर और लेस अनचेंज्ड वैसा ही चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में यदि आप कुछ दूसरा कहने की कोशिश करते हैं, आजकल बहुत हंगामा होता है, इतिहास बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, वास्तव में इतिहास न तो बनाया जा सकता है न बदला जा सकता है, क्योंकि इतिहास ये वही व्यक्ति कह सकता है कि इतिहास बदला जा रहा है जिसको इतिहास की समझ ही नहीं है, क्योंकि इतिहास वो है जो हो चुका है और जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता, इंसान ही नहीं भगवान भी नहीं बदल सकता। तो इतिहास तो परिवर्तित हो ही नहीं सकता, हाँ हिस्ट्री बदली जा रही है, इट्स ट्रू। अब प्रश्न आता है कि हिस्ट्री और इतिहास, यहां मूल रूप से वो अंतर आता है। हिस्ट्री वो है जो लिखित प्रमाणों के आधार पे लिखी गई है, वो बहुत सीमित है। इतिहास बहुत विशाल है, यानी हमारी जो समग्र ज्ञान है मानव जाति का वो इतिहास है। जिस दिन मानव की उत्पत्ति हुई उस दिन से अभी तक सारा का सारा जो कुछ हुआ है इस दुनिया में वो इतिहास है। लेकिन लिखित प्रमाणों के आधार पर जो कुछ लिखा गया है किताबों में वो हिस्ट्री है। और इसीलिए हमने अपने इतिहास को जो है वो फिर तीन भागों में बांट दिया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। यानी वो समय जब लिखित प्रमाण नहीं थे हम उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, इतिहास से पहले। अब यदि आप फिर हिंदी में, क्योंकि हम अच्छा है आज हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो अब इतिहास से पहले तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब से कुछ भी शुरू होता है इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो प्रागैतिहास जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ है वो इतिहास है। लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने प्री हिस्ट्री कहा तो हमने हिंदी में उसका एक शब्द गढ़ दिया, प्रागैतिहास। फिर हमने सिंधु सभ्यता के काल को प्रागैतिहास की बात आद्यतिहास कह दिया। क्यों? क्योंकि राइटिंग तो अवेलेबल है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि इतिहास का लिखित से कोई संबंध नहीं है। लिखा हो न लिखा हो इतिहास इतिहास है। यदि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैदा नहीं हुआ, या मेरे ग्रैंडफादर का या मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का मुझे नाम भी नहीं पता, उनका फोटोग्राफ नहीं है, हमारे घर में उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं थे। वो थे, वो इतिहास का हिस्सा है, हाँ मेरे पास उनके रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो रिटन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रागैतिहास हो गया, वो भी इतिहास है। ये अंतर है हिस्ट्री और इतिहास का। और जब हिस्ट्री लिखी जाती है, और इतिहास भी एक नहीं हो, इतिहास एक है जो हुआ, लेकिन दृष्टिकोण इतिहास में महत्वपूर्ण होता है। दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई घटना होती है
और दोनों व्यक्ति अगर उसको रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों की हिस्ट्री अलग अलग होगी, उनके दृष्टिकोण से होगी, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सच है। जीतने वाला उसे अपने दृष्टिकोण से लिखेगा, हारने वाला उसे अपने दृष्टिकोण से लिखेगा, एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे, और हो सकता है कि अगर वहां पे 10 दर्शक हैं तो वो उसके 10 और व्याख्याएं कर दें, और वो सब चश्मदीद हैं, उन्होंने होते हुए देखा है, और वो सब जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन उसमें अंतर है, और वो जो अंतर है वो उनके दृष्टिकोण की वजह से है। तो जो कुछ लिखा गया है वो ब्रह्म सत्य नहीं है, वो लिखने वाले के दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। इसलिए ये मान लेना कि जो लिखा हुआ है बस वही सच है और जो नहीं लिखा है वो है ही नहीं या वो एक कल्पना है, ये एक बहुत गलत सोच है, जिस सोच को अक्सर हम लोग इतिहास में बढ़ावा देते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसका कोई लिखित सोर्स नहीं मिलता, इसलिए हो सकता है ये कल्पना हो। तो ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चीज है। फिर हम जब काल की बात करते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने एक बड़ा एक जनरल बहुत सिंपलिस्टिक वे ले लिया है चीजों को तीन भाग में बांट देना, जैसे हमने कहा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसे ही हमने जब अपने इतिहास को बांटा या पुरातत्व से लेके तो हमने कह दिया स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज। आयरन के बाद क्या होगा हम नहीं सोचा कभी, हो सकता है आयरन के बाद कोई दूसरी एज भी आ जाए, लेकिन हमारा जो भारतीय क्रम यानी कालक्रम विभाजन था वो ये तीन वाले सिस्टम पे नहीं चलता था। हमारे जो युग थे जो हमारे प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, मैं साहित्य कह रहा हूं क्योंकि हम उसको साहित्य के रूप में लें तो निर्विवाद रहेगा, तो उसमें हमको चार युग मिलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो वहां तीन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं रखा। फिर जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री कर दिया, फिर उसके बाद हिस्ट्री को भी हमने डिवाइड कर दिया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और ये सब हम जब कर रहे हैं तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रश्न क्योंकि इतिहास की बात है तो लेट्स टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, व्हाई एंशियंट, व्हाई मेडिवल एंड व्हाई मॉडर्न। क्या हम अपने इतिहास लेखन में कभी इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यूरोप में एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री टर्म्स का प्रयोग हुआ, आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लेंगे तो वहां आपको ये टर्म मिल जाएंगे और उस डिक्शनरी में ये भी लिखा होता है कि उसका मतलब क्या है। तो मेडिवल की आप बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री की वहां जब बात होती है तो वो 476 एडी तक का जो इतिहास है वेस्टर्न रोमन एम्पायर तक का, वो एंशियंट हिस्ट्री वो लोग मानते थे। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री जो है 5th to 15th century, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। अब यहां दो चीजें हैं, एक तो सामान्य है शब्द कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। हम जब किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका एक सबकॉन्शियस अफेक्ट होता है, उसका एक यानी जो हमको दिखता नहीं है एक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, शेर सिंह, गज सिंह हम अच्छे नाम रखते हैं, या शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। हमने किसी को रावण के नाम रखते हुए नहीं देखा या महिषासुर राम रखते हुए नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो है, कुछ भी कह दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब हम उसको बुलाते हैं तो हमको उसकी एक परिकल्पना हमारे सबकॉन्शियस में होती है। तो एंशियंट जो भारत का मूल इतिहास था उसको एंशियंट कहा गया, और एंशियंट को जब आप कहते हैं तो आपके जहन में एक यानी प्रतिबिंब या एक कल्पना आती है, समथिंग जो पुराना है, जो अनुपयोगी है, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को दो चीजें दें, एक पुरानी गुड़िया और एक नई गुड़िया,
90% या 99% बच्चे जो हैं वो नई गुड़िया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी पुरानी चीजों की ओर नहीं जाना चाहता, कोई भी पीछे की ओर नहीं लौटना चाहता। तो प्राचीन शब्द से हमने अपने इतिहास को यानी मार्क कर दिया कि ये वो पुरानी चीज है, अनुपयोगी चीज है, जो बहुत पुरानी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी तरफ देखो ही मत। तो देखो क्या, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास कब शुरू होता है? जिस दिन अंग्रेजों की जीत होती है प्लासी के युद्ध में, उस दिन से भारत आधुनिक हो जाता है। उसके पहले भारत जो है वो मेडिवल था, बार्बेरिक, है ना, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव। और जिस दिन से अंग्रेजों की जीत होती है, अंग्रेज आते हैं, उस दिन से भारत आधुनिक हो जाता है। हम कहते हैं आधुनिक भारत। जिस दिन भारत गुलाम हुआ, उस दिन हम आधुनिक हो गए। ये सिर्फ भारत के विद्वान ही ऐसी यानी बातें कर सकते हैं और कर रहे हैं कि जिस दिन हम विदेशियों के गुलाम हुए, उस दिन हम आधुनिक हो गए और आज तक हम आधुनिक हैं। इसका एक बहुत यानी उदाहरण एक और है कि भारत के विद्वान ही जो है कॉलोनियल पीरियड को शायद जो है वो स्वतंत्रता मानते हैं, क्योंकि जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, उसी पीरियड को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो 14 अगस्त तक भारत प्री इंडिपेंडेंस था, 15 अगस्त को पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। भारत में कभी स्वतंत्रता आई ही नहीं। बात यह है कि हम कुछ टर्म्स का यूज कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम लिख क्या रहे हैं। भारत आज भी स्वतंत्र है, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखते कि इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इतिहासकार लिखते हैं इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। वेयर इज इंडिपेंडेंस? ये कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, शायद कुछ लोगों को लगेगा कि इनका तो कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ये बताती हैं कि इतिहास में हम आंख मीचे दौड़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने तथ्यों को, घटनाओं को, चीजों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो आज जरूरत है कि हम अपने इतिहास को अपनी दृष्टि से देखें, सोचें कि क्या जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम लिख रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो पढ़ाने लायक है, या क्या उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, जरूरत है, और है तो वो क्या है। जो ये वेगनेस है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम जब कालक्रम की बात करते हैं तो एक शब्द है पीरियड। हम कभी लिखते हैं गुप्ता पीरियड, कभी हम लिख देते हैं गुप्ता इरा, कभी हम लिख देते हैं गुप्ता एज, कभी हम लिख देते हैं गुप्ता फेज। जैसे कि पीरियड, इरा, एज, ये सब एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं। तो जो बिना सोचे हम लिख रहे हैं, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, विशेष रूप से इतिहास जैसे विषय में, जिसका कि बहुत गहरा असर होता है राजनीति पे, धर्म में, प्रगति में, आधुनिकता में। इतिहास कोई रटने वाली चीज नहीं है, इतिहास एक वो विषय है जो राष्ट्र की दिशा को निर्धारित करता है। और इतने महत्वपूर्ण विषय को यदि हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते जाएं, तो हमको सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और वो भी एक इतिहासकार के रूप में, एक पुरातत्वविद के रूप में। और एक उदाहरण हो सकता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट शब्द। कभी हमने सोचा, पहले हम कहते थे प्री हरप्पन, हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन, फिर हम एक शब्द ले आए अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एंड लेट हरप्पन। लेकिन जब हम पैलियोलिथिक या स्टोन एज की बात करते हैं, तो हम वहां करते हैं पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि इतिहास को अगर हम विभाजन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका आधार क्या होगा।
किस आधार पे करेंगे, कौन से शब्दों को लेंगे, हम अर्ली मिडिल लेट कह रहे हैं, प्री पोस्ट कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो ये एक ऐसे हैं। या पीरियड को ले लें, अगर आप अर्ली बुक्स फिर देखें इतिहास की, तो पहले कहा जाता था हिंदू पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, इस्लाम पीरियड और इस तरह के, फिर वो बदल के जो है वो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न आ गया। लेकिन आज भी हम लोग जो है वो वैदिक पीरियड पढ़ाते हैं, वैदिक जो है लिटरेचर है। तो अगर रामायण काल नहीं है, महाभारत काल नहीं है, तो वैदिक काल कैसे हो सकता है? और अगर वैदिक काल है तो वो कहाँ जाएगा समय में के हिसाब से, क्रोनोलॉजी में हम उसको कहाँ रखेंगे? तो वो लिटरेचर है, तो हम कहते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक और अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो हमारे काल क्रम का आधार क्या है? पुस्तकें हैं, साहित्य है, समय है, टेक्नोलॉजी है, किस आधार पे? पाषाण और पाषाण काल और ताम्र युग और लोह युग की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर समय को विभाजित कर रहे हैं। फिर हम जो है वो कभी कभी बीच में जो है वो रामायण काल, महाभारत काल और वैदिक काल ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो भारत में हम लोगों को एक बार बैठ के कहीं ये चिंतन करना होगा। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, उनके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लोग आते हैं, पेपर पढ़ते हैं, चले जाते हैं। मैं आऊंगा, मेरी मर्जी है कि मैं जो है उसको अर्ली कहूं, प्री कहूं, पोस्ट कहूं। स्वर्णकार जी आएंगे, ये उनकी मर्जी है कि वो चाहे उसको एंशियंट कहें, मेडिवल कहें, मॉडर्न कहें, वो कह के चले जाएंगे और सुनने वाले सबकी ताली बजा देंगे। उनको ये नहीं है कि भाई मैंने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा और किसकी बात ज्यादा तार्किक या वैज्ञानिक है और क्या होना चाहिए। तो ये जो एक फ्री फॉर ऑल हो गया है कि कुछ भी लिखो, कुछ भी कहो, सब चलता है, तो ये जो हमारी एक अप्रोच है ना कि चलता है, दैट इज समथिंग एंड द ओवर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है इतिहास में, इतिहास के लिए, लेकिन जब वो ओवर जनरलाइजेशन हो जाता है तो उससे विकृतियां पैदा हो जाती हैं और ये सब कुछ हो रहा है। तो आज हम एक उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर कि हम अपने इतिहास के बारे में, पुरातत्व के बारे में अपनी बायसेस को हटा के, ये भी नहीं कि जो अंग्रेजों ने लिखा वो सब बदलना है, नहीं बदलना, जो उसमें उपयोगी है, जो वैज्ञानिक है, जो तथ्यपरक है, उसको रखना है। जहां पे हमको लगता है कमियां हैं, जहां पे सुधार की गुंजाइश है, वहां पे सुधार करना है। फिर कौन सा सुधार करना है उस पर भी चर्चा करनी है। हो सकता है आज हम एक बात कह रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद हमको लगे कि नहीं, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, तो हमको उसको चेंज करके उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये हंगामा की हिस्ट्री बदल रही है, जैसे कि बस पूरा देश जो है वो टूटने वाला है या पूरा देश हिल गया है ना, कि क्या होगा, भगवान जाने, इतिहास बदल गया। अरे इतिहास तो हमेशा से बदलता रहा है, और अगर इतिहास नहीं बदला तो फिर वो इतिहास ही नहीं है। इसका मतलब है कि फिर तो शोध समाप्त हो गई। हर दिन नए तथ्य आएंगे, हर दिन नई जानकारियां मिलेंगी, विज्ञान का विकास हो रहा है, नई नई खोज हो रही है, इसमें इतने सारे जो ये यंग स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, ये डेफिनेटली कुछ नया लेके आएंगे। और जब ये सब नया आएगा तो इतिहास तो बदल, यानी लेखन पार्ट जो सत्य है वो नहीं, लेकिन जो ये रिटन हिस्ट्री है वो तो बदलेगी ही बदलेगी। तो इससे, और अगर वो तथ्यपरक है तो हमको उसको मानने में क्यों कष्ट होता है? क्योंकि फलाने साहब ने ऐसा कहा था, ये उससे मेल नहीं खाता, इसलिए ये इतिहास नहीं हो सकता, ये बात हजम नहीं होती। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो मैंने आपसे शेयर की, जो मेरा मानना है, और हमको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे और स्वयं कोई दूसरा आके हमको बताए, उससे अच्छा है कि हम लोग आपस में बैठ के इस पर चर्चाएं करें और सम्मिलित रूप से जो है हम एक विकास की ओर अग्रसर हों, तो ये जो हमारा पुरातत्व और इतिहास है, इस हिस्ट्री को हम बीच से हटा दें। क्योंकि हमारे लिए इतिहास जो है वो उस रिटन हिस्ट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास जो है वो ज्यादा प्रासंगिक है, इतिहास जो है वो ज्यादा वैज्ञानिक है, और हमको इतिहास के विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसको लेने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए,
बशर्ते कि वो जानकारी तथ्यपरक और प्रामाणिक हो। तो यही कुछ बिंदु थे जिसपे मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं एक बार फिर आभारी हूँ स्वर्णकार जी का और आप सभी लोगों का जो आप सब लोग जुड़े, और इस विषय में आप लोगों के अगर सुझाव या आप लोगों के कमेंट्स होंगे तो उससे निश्चय ही मेरा ज्ञान वर्धन अवश्य होगा। नमस्कार। Thank you, sir. Knowledge creation is an unending process, and we need to time and again challenge the well-established notions. It is high time that we should need to get rid of our colonial hangover. That is what I understood the one of the or some of the key points of Dr. Srivathi's lecture. Now the floor is open for Q&A. If somebody is having any question or discussion, they may please unmute. Namaste, sir. सर, मेरा नाम रिनालिनी है। आपके लेक्चर इससे बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ, और मैंने जो भी हिस्ट्री में पढ़ा था उस सबको अब शायद मैं एक अलग नज़रिए से देखूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर चीज़ को एक पहलू करना चाहिए, खासकर नए जो लोग शोध कर रहे हैं। आप जो नए स्कॉलर्स हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि जब वो कोई चीज़ पढ़ें, कोई टेक्स्ट पढ़ें, तो उसे किस तरह से पढ़ें ताकि इस तरीके की विकृतियां होने के जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। पासवान जी, आप अपना स्क्रीन शेयर अगर बंद कर दें। ओके, हाँ, कैन यू रिपीट लास्ट मृणालिनी, व्हाट इज योर लास्ट थिंग? आई कुड नॉट हियर प्रॉपरली, देयर वाज नॉइज। सर, मैं ये बोल रही थी कि आप ऐसे कुछ हमें तरीके बताएं कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ें या हम कुछ शोध करें तो क्या करें हम, जिससे इस तरीके की विकृतियां होने की जो एक पॉसिबिलिटी है जो ओवर द इयर्स हो रही है वो कम हो जाए। हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम मूल स्रोतों पे जाएं। मैं भी जो ये बातें आपसे कर रहा हूं वो इसलिए कि मैंने भी जो है एक भारत के, यानी मैं जीवाजी विश्वविद्यालय से हूँ, मध्य प्रदेश से मैंने अध्ययन किया, मुझे मेरे शिक्षकों ने वही पढ़ाया जो हमारे सिलेबस में था और मैं भी उसको मानते हुए चला आ रहा था। लेकिन जब मूल स्रोतों पे जाके देखना शुरू किया तो धीरे धीरे ये निकल के आने लगा कि किताबों में जो लिखा है और वास्तव में जो है उसमें अंतर है ना। और इसलिए ये जरूरी है कि हम मूल स्रोतों पे जाएं, क्योंकि एक किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के मेरा सोच कुछ और हो सकता है और आपका सोच कुछ और हो सकता है। तो मैंने यदि अपना सोच लिख दिया तो ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया वही सोचे जो मैंने सोचा था। तो यदि हम मूल स्रोत को पढ़ेंगे और 10 आदमी पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें 5 दृष्टिकोण हमको दिखाई दे। तो सबसे जरूरी है इतिहास के लिए कि हम मूल स्रोत पे जाएं। वही अगर हम पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व में अगर आप एक्सकवेशन रिपोर्ट्स देखेंगे तो जिन लोगों ने उत्खनन किया उनको अवशेष मिले, उन अवशेषों को उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया, फिर लोग उसको कोट करते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि आप मूल ऑब्जेक्ट को जाके देखें तो आपको कई बार लगेगा कि ये जो इन्होंने इंटरप्रेट किया था वो गलत था, और ऐसे ढेरों उदाहरण है। तो उसके बाद से आज तक जो भी लिखता चला आ रहा है वो गलत लिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट कुछ और था, मुझे कुछ और लगा, मैंने लिख दिया। अब आप ये मान रहे हैं कि चूंकि उत्खनन मैंने किया, मैंने ओरिजिनल मटेरियल को एनालाइज किया तो मेरा लिखा हुआ बिल्कुल सच ही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी भूल कर सकता है, और भूल नहीं भी है तो मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको दिखाई देता है। और अलग अलग लोगों की सोच अलग होगी, आप अगर किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आपको वैसा ज्यादा दिखाई देगा। तो इतिहास के लिए बहुत जरूरी है कि हम मूल स्रोतों पे जाएं। पहले ये मुश्किल होता था, मुझे याद है जब मैंने रिसर्च की थी तो लाइब्रेरी में किताबें ढूंढना मुश्किल होता था, एक यहाँ है, बट आजकल तो गूगल की वजह से आप जहां चाहें दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी को असेस कर सकते हैं, ओरिजिनल बुक्स को, टेक्स्ट को, आर्काइव्स को असेस कर सकते हैं। तो अब जो है शोध करना बहुत आसान भी हो गया है और बहुत नए तथ्य भी आ रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। प्रोफेसर त्रिपाठी सर, देयर इज वन क्वेश्चन इन द क्यू एंड ए सेक्शन इन द चैट बॉक्स, कैन यू रीड इट और शुड आई रीड इट फॉर यू?
Yeah, if you can read, that will be wonderful. Yeah, I will. This is from Dr. Sanjay Kumar. He writes, first is the remark, much impressive deliberation and convincing argument. My curiosity, history is an academic exercise begin as colonial enterprise in India, and we became slave of colonial terminologies, periodization and images created. But what are the alternative perspectives? Alternate perspective is only that we should start feeling that we are independent. That is what. And what I feel, what my interpretation is my interpretation. I don't hesitate. है ना? तो वही है कि हम पोस्ट कॉलोनियल को हटा दें और हम इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ना वो सोचना शुरू कर दें कि there was pre-independence, now we are in independent India. So this term post-colonial, ये हमारे सबके मुंह पे एक जूता है ना, हर स्वतंत्र भारतीय के चेहरे पे एक जूता है जब कोई कहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं. और अगर हम उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दें तो हम जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं. आप उससे सहमत हो ना हो ये आपकी मर्जी है. डॉक्टर बात करना चाहते हैं सर जी. सर एक्चुअली मैं पुरातत्व में भी पढ़ाती हूँ और जैसे आपने कहा कि कनिंगम को हम लोग पढ़ाते हैं कि वो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी थे और ये हमारी अभी भी, जैसे आपने जब ये बात कही तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि अगर कल मुझे या परसों मुझे ये बात पढ़ानी है तो मेरे मुंह से कैसे निकलेगा कि कनिंगम जो है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी थे. तो इन सब चीजों को सर जब तक हमारी किताबों में नहीं लाया जाएगा तब तक हम उसको बच्चों अपनी बात करते हैं, लेकिन जब बच्चे जो लिखा देखते हैं वही मानते हैं या हम भी वही मान रहे हैं सालों से, उसमें क्या करने की जरूरत है सर? क्या इसमें कुछ मतलब लिखित रूप से कुछ किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है. बात है सोच की. देखिए, हमारी सोच अगर स्वतंत्र है, प्रश्न है कि किताबों में लिखा है कि अलेक्जेंडर कनिंगम पुरातत्व के जनक हैं, ठीक है लिखा है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कनिंगम के पहले किसी ने आर्कियोलॉजी नहीं की? कनिंगम तो 1861 में आए थे, उसके पहले बहुत सारे लोग, किट्टू ने, कोल ने, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने, फर्नेस ने, इन लोगों ने बहुत आर्कियोलॉजी खुदाइयां दी. तो ऐसा नहीं है कि कनिंगम को स्थापित किया गया. कनिंगम को ब्रिटिश साम्राज्य के लेखकों द्वारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से स्थापित किया गया एज एन आर्कियोलॉजिस्ट. मैंने जो आपको एक उदाहरण दिया था, यानी घटना बताई थी कि वो कैसे पुरातत्व की शुरुआत हुई. अगर कोई भी व्यक्ति, यानी चाहे वो पुरातत्व नहीं है, वो इतिहासकार नहीं है, अगर एक सामान्य रूप से सोचे, अगर मैं आज एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल मंत्री जी के पास एक प्रपोजल लेके जाऊं जिसपे मंत्रिमंडल में निर्णय होना है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा भाई कल से काम शुरू कर दो. वो तभी होगा जब उसमें कोई ऐसी चीज है जिसका कुछ और बहुत महत्व निकल रहा है. तो कनिंगम को जिस तरह से अपॉइंट किया गया, उनकी सैलरी मालूम है कितनी थी? 450 रुपया उस समय. और उस समय 10 रुपया ट्रेजर ट्रोव एक्ट है ना, उसमें है कि 10 रुपए की चीज खजाना कहलाती है. तो उनकी जो मंथली सैलरी थी वो 45 खजानों के बराबर थी, और जब वो फील्ड में होते थे तो उनको 250 रुपया और मिलता था. और वो जो पुरावशेष इकट्ठे करते थे उसमें से उनको एक शेयर मिलता था ना. तो कौन सी आर्कियोलॉजी थी? क्या हम ऐसी आर्कियोलॉजी आज सिखाना चाहेंगे बच्चों को कि आप जाओ फील्ड में और जो मिलेगा उसमें से आधा तुम ले जाना, आधा हमको दे देना? तो ये चीजें हैं और ये सब लिखी हुई हैं, लेकिन हम इनको नहीं देखते. हम कहते हैं नहीं, उन्होंने साहब बहुत बड़ा ये काम कर दिया, बहुत ये किया. उन्होंने काम किया, हमको उन लोगों से बहुत कुछ मिला, हम उसको नकारते नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं था. हमको जो कुछ मिला वो उसका बाई प्रोडक्ट है. उन्होंने काम किया, अपने उद्देश्य के लिए किया, लेकिन उनके उद्देश्य से काम करने से भी जो हुआ उससे हमको लाभ मिला. हम इस बात को कभी नहीं कहेंगे, हाँ हुआ, उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी रेगुलर रिपोर्ट्स पब्लिश की, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पता होना चाहिए कि घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है. तो क्या उसका उद्देश्य भारत का इतिहास लेखन था? एब्सोल्यूटली नॉट.
ये बात हमको पता होनी चाहिए और ये लिखा भी है कनिंग मार्शल अपने रिपोर्ट में, वो लिखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो चीजों को डॉक्यूमेंट करना है फॉर इंटरप्रिटेशन बाय द यूरोपियंस। तो भारत के लोग ये जो इतिहास लिखा गया या ये जो काम हो रहे थे वो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए हो रहे थे, वो भारत या भारतीयों के लिए नहीं हो रहे थे। तो निश्चय है उन्होंने काम किया लेकिन वो हमारे लिए नहीं किया। वो जो उन्होंने मूर्तियां इकट्ठी की तो वो ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाने के लिए इकट्ठी की या दूसरे संग्रहों में ले जाने के लिए है ना। आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल ऑक्शन होने वाला था, सांची के स्तूप के दरवाजे जो हैं वो इंग्लैंड जाने वाले थे। ये तो यानी ईश्वर की कृपा है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, परिस्थितियां हुई कि वो हो नहीं पाया, नहीं तो आप इसको जो है वहां जाके इंग्लैंड में जो है संग्रहालय में देखते आप सांची के तोरण। तो ये सच है और ये सब रिकॉर्डेड है, इसमें किसी का यानी राग द्वेष वाली बात नहीं है कि आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। इन सब के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, यदि आप मूल दस्तावेजों को देखें वहां ये सब कुछ मौजूद है हमारे आर्काइव्स में। गुड इवनिंग सर। सर माय नेम इज गरिमा सिंह एंड आई एम फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। सर मुझे हिस्ट्री ज्यादा नहीं पता है बट जितना पता है सो आंसर माय क्वेश्चन इज दैट जो लोग पढ़े लिखे जिनके पास डिग्री है वो इतिहास लिख रहे हैं, उन्होंने जो चीज देखा है वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत का इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखा है, कई सारे वॉर्स देखे हैं, कई सारी चीजें देखी हैं, और यदि वो 75 इयर्स के भी होंगे देन आफ्टर सम टाइम उनके स्टोरी उनके साथ एंड हो जाएगी। सो कैन वी हैव एनी मूवमेंट सो दैट जो उनके माइंड में है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो हम एक रिटन फॉर्म में कर ले, अदरवाइज आफ्टर 10 और 20 इयर्स हमें लेके सुनी सुनाई बातें मिलेंगी एंड विद अ लैक ऑफ प्रूफ वो एक राइट चीज नहीं होगी। सो लाइक इट्स माय क्वेश्चन सर, कैन वी हैव दिस थिंग्स? नो, डेफिनेटली वी कैन हैव एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, पीपल आर वर्किंग व्हाट दे कॉल इट ओरल हिस्ट्री वेयर दे गो एंड रिकॉर्ड सच थिंग्स एंड पर्टिकुलरली विद द ट्राइबल्स। अगेन ये जो ट्राइब शब्द है वो बड़ा डेरोगेटरी है लेकिन वो चूंकि अंग्रेजी में है इसलिए हम लोग यूज करते हैं, बट दे आर नॉट ट्राइब्स। सो जो ट्राइबल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास जो भी कुछ है वो ओरल है। इसी तरह से जो ये बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने बहुत सी घटनाओं को देखा है, जिसके वो गवाह हैं, उसको जो है बहुत सारे लोग हैं इस इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, दे आर रिकॉर्डिंग सच थिंग्स। और अभी ये आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं ऐसे लोगों को, अनसंग हीरोज जो हैं उनको खोजने का, उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करने का, और कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं एंड वी कैन डू। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास हिस्ट्री की डिग्री हो तभी आप हिस्टोरियन बने, है ना। इतिहास हम सबसे जुड़ा है और हम सब जो है उसको लिख के और रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। यस सर, गॉट इट सर। मेरी सर एक छोटी सी सर, मेरी जिज्ञासा है सर। हेलो हेलो, जी 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 सर, मेरी छोटी सी सर, भारत आने के 5-6 एक्सेप्शन। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, या तो आप अगर मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बोलिए जी सर। सर एक छोटी सी जिज्ञासा है सर कि अंग्रेजों के भारत को के अंग्रेजों के द्वारा भारत के कॉलोनाइजेशन के पहले का जो प्रीसीडिंग 500-600 वर्षों का जो लंबा जो ऐतिहासिक दौर है सर, उस दौर में किसी भी सुल्तान और बादशाह को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो किसी ने भी भारतीय इतिहास या पुरातात्विक जो भी इतनी निधियां इतना वैभव था सर, उसको एक्सप्लोर करने का कोई प्रयास नहीं किया? नहीं तो सर विजयनगर जैसे महान साम्राज्य को सिविल को नहीं लिखना पड़ता ये फॉरगॉटन एम्पायर, तो क्या सर हम अंग्रेजों को इस बात का श्रेय नहीं देंगे कि जो हमारी प्राचीन भारत की जो वैभव सांस्कृतिक गौरव या जो पुरा निधियां थी, जो मोनूमेंट्स थे, उसको एक्सप्लोर करके एटलीस्ट एक एकेडमिक वर्ल्ड में
हमारे सम्मुख उपस्थित किया सर, जबकि बीच का जो 600-700 वर्षों का जो पीरियड है सुल्तानों बादशाहों का, वह एक पीरियड ऑफ साइलेंस है सर। पीरियड ऑफ साइलेंस नहीं है, उस समय भी लिखा गया है। देखिए, हर समय का जो भी काम होता है उसका उद्देश्य होता है, और हम अंग्रेजों को पूरा पूरा श्रेय दे रहे हैं, हमें अंग्रेजों से कोई श्रेय नहीं छीनना है। उन्होंने जो किया, जो कुछ किया, वो सारा रिकॉर्डेड है और कोई उसको उसको मना नहीं कर सकता। प्रश्न ये है कि जो उन्होंने किया और जो उन्होंने लिखा उसका उद्देश्य क्या था, ये जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो सटीक इतिहास, इतिहास कभी भी जो है ना वो एब्सोल्यूटली सही नहीं हो सकता। ये बात एक और आप जान लें, क्योंकि जो हुआ है उसको हम, आप जो भी देखेंगे वो हम अपने चश्मे से देखेंगे, तो उसमें हमारा जो बायस है वो तो मिक्स होगा ही होगा। तो जितना भी हम उसको सटीक बनाने की कोशिश करें, तो हमको ये देखना है कि हम किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। हम अपने को ज्यादा अच्छा बताने के लिए, किसी दूसरे को कम बताने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, किसी को छुपा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? बात प्रश्न उसका है कि हम भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखें। नहीं तो अगर आप लिखे हुए के आधार पर चलेंगे तो 1857 में सिपाही म्यूटिनी आज भी है, आज कई यूनिवर्सिटीज में आज भी सिपाही म्यूटिनी पढ़ाई जाती है। भारत के, स्वतंत्र भारत के 75 साल बाद भी सिपाही म्यूटिनी पढ़ाई जाती है ना? तो उनकी दृष्टि से वो सही था, लेकिन हमारी दृष्टि से वो स्वतंत्रता संग्राम था। उनके लिए भगत सिंह और राजगुरु वो लोग जो है वो अतिवादी थे, हमारे लिए वो जो है राष्ट्रभक्त थे। प्रश्न दृष्टिकोण का है, किसी से श्रेय लेने का नहीं। उनने जो काम किया किया, वो सब रिकॉर्डेड है, हम उसको कोट करते हैं, लेकिन बात दृष्टिकोण की है कि भारत का इतिहास भारत के दृष्टिकोण से ही लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा। नमस्ते सर जी, मेरा नाम राशिद खान है, गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, एक क्वेश्चन था कि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी कहाँ तक पॉसिबल है और निरपेक्ष रूप से या तटस्थ रूप से इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जो हिस्टोरियन, जो इतिहासकार होते हैं, जो लिखते हैं मूल स्रोतों पर जाकर भी लिखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनका पूर्वाग्रह, उनकी जो विचारधारा, उनका जो परिवेश होता है वो उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार और भी कई ऐसी थ्योरी, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी कहां तक है और मूल स्रोतों को जाकर हम किस प्रकार से तटस्थ इतिहास लिख सकते हैं? आपका जो ये बहुत ही एकेडमिक क्वेश्चन है और जिसपे बहुत सारी डिबेट होती रहती हैं और वो होती रहेंगी। जहां तक तटस्थता का सवाल है, ये मैंने अभी भी कहा कि आप मूल स्रोत पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपका बायस तो उसमें आना ही आना है। जो भी लिखेगा, चाहे वो चाहे या न चाहे, क्योंकि सत्य जो है ना वो तो सत्य सत्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि से वो उसको डिस्क्राइब करेगा। तो अगर एक घटना में चार आदमी सम्मिलित हैं और वो चारों उस घटना को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। कोई ये नहीं चाहता कि वो उसको यानी विकृत करे, लेकिन वो होगा, ये ह्यूमन नेचर है कि मैं अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखूंगा, दूसरा व्यक्ति उसी चीज को दूसरी भाषा में लिखेगा, क्योंकि हमारा और वी आर नॉट मशीन्स। जैसा कंप्यूटर में है कि अगर मेरी एक फाइल है, अगर मैं उसको 100 कंप्यूटर में खोलूंगा तो एग्जैक्टली वैसी ही खुलेगी, लेकिन अगर एक ही चीज को 10 आदमी बोलेंगे तो उनका बोलने का जो क्रम होगा, शब्दों का जो विन्यास होगा, वो अलग होगा। तो थोड़ा अंतर तो आएगा ही आएगा, इसलिए कभी भी इतिहास एब्सोल्यूटली जो है ना वो निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो सर, सही किसको मानेंगे, क्या सही है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, उसको किसको मानेंगे? फिर वही क्वेश्चन ये भी होता है सर कि इतिहास जो हम लिखते हैं वो क्या विज्ञान है या कला है, इस पर भी कभी कई सारी डिबेट होती रहती है। तो वास्तव में किस प्रकार का हम बच्चों को इतिहास जो है लिखा लिखा है वो तो डिलीवर करते ही है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आप बताइए, मैं तो नहीं जानता हूँ उतना। देखिए, सही और गलत की जो बात है, सही और गलत जो है वो रिलेटिव है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, है ना? जो मेरे लिए सही हो सकता है वो आपके लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। तो इसलिए हम इस रिलेटिव डिबेट में ना पड़े।
फिर प्रश्न आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हम एक नोबल काज के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो अच्छा है। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि दो लोगों में लड़ाई हुई, आपसी उनमें वैमनस्य था, एक ने दूसरे की हत्या कर दी। दूसरी घटना है कि आपके घर में कोई घुसा, आपने अपनी रक्षा में उसको हत्या कर दी। और तीसरा है कि सीमा पे खड़ा हुआ एक आदमी 10 आदमियों की हत्या कर देता है दुश्मन की। तो चीज एक है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की, यह घटना है, लेकिन उद्देश्य के हिसाब से इनको पुरस्कार या सजा मिलेगी। अगर आपने वैमनस्यता से मारा है तो आपको फांसी होगी, आपने अपनी जान बचाने के लिए अगर उसको मारा है तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, और आपने देश को बचाने के लिए दुश्मनों को मारा है तो आपको जो है एक तमगा मिलेगा। तो प्रश्न यह है कि आप किस उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं वो अलग हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि हम इतिहास लिख रहे हैं, हम इतिहास को विकृत नहीं करना चाहते, हम किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिखाना चाहते, और हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें, वही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मशीन नहीं है। धन्यवाद त्रिपाठी सर। एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, अभी चर्चा हुई, आपने आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी बातों को कहा, बहुत सरल और सुगम ढंग से चीजों को समझने का एक दृष्टिकोण भी मिला। ओरिजिनल सोर्स की बात अभी सर आपने कहा था, जो मूल स्रोत को शोध के क्रम में उपयोग हम लोग करें, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा था कि शोध के क्रम में अगर हम बच्चों की बात करें तो एक सुबीरा जायसवाल जी की रचना आर्टिकल छपी हुई इतिहास का वॉल्यूम 1 में, जिसमें वो कास्ट के बारे में जब बात कर रही हैं तो वर्ण रत्नाकर एक ओरिजिनल सोर्स का वो जिक्र करती हैं, और उसमें दर्शाती हैं कि 36 राजपूत क्लान का जिक्र वर्ण रत्नाकर में आया है ओरिजिनल सोर्स को लेकर के। उसी ओरिजिनल सोर्स का जिक्र कर रहे होते हैं बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट है कुमार सुरेश सिंह, और वो दर्शाते हैं उसी ओरिजिनल सोर्स को लेकर के कि 72 क्लांस इन वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर ने 72 क्लान की राजपूत वंशों की चर्चा की है। एक ही मूल स्रोत है जिसमें सुबीरा जायसवाल जी का 36 की चर्चा होती है, जो राजतरंगिणी में और कई जगह भी उसका है कोट करते हुए, और उसी सोर्स को जब ये तो मूल स्रोत जो है उसको कुछ और भी पैरामीटर के साथ देखना होगा कि सिर्फ मूल स्रोत को अगर हम लोग देखें तो इतने अगर डाइवर्ज, कहां 36 की बात उठ रही है, कहीं 72 की बात और उसी को, और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कुमार सुरेश सिंह की बात भी हमने कहा या सुबीरा जायसवाल जी का, तो वो लोग एक स्थापित विद्वान है हम सभी जानते हैं। तो जब हम उस पर क्वेश्चन, और हमने कहा मैं ओरिजिनल सोर्स को भी देख रहा हूं, तो उसी में लगता है क्योंकि मैं भी बिहार से जुड़ा हूं, मैंने भी मिथिला पर काम किया है और मिथिला के कास्ट सिस्टम पर ये किताब है ज्योतिश्वर की रचना, तो उसको देखने के क्रम में शोध मूल ग्रंथ को भी देखने के लिए कुछ पैरामीटर को फिक्स करना होगा। जैसे अभी एक शोधार्थी ने कुछ क्वेश्चन किया था जिस पर अभी बातें हुई थी, तो सिर्फ इतना अगर हम कह दें मूल सोर्स से तो बहुत सारे कंफ्यूजन बनते हैं, तो उस पैरामीटर के संदर्भ में अगर थोड़ी सी बात होगी तो हम सबों के लिए भी एक लाभ का पक्ष होगा। जी, इतिहासकारों को आप बगल में रख दें, सोर्स को आप बगल में रख दें। प्रश्न यह होता है कि कोई भी पांडुलिपि की यदि आप बात कर रहे हैं या किसी ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो उसके कई सारे जो हैं प्रतियां हो सकती हैं। अब उसमें संभावनाएं कई हैं, हो सकता है कि अलग अलग प्रतियों में अलग अलग नंबर दिया हो, यह भी संभव है कि अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग रूप से पढ़ा हो, दोनों संभावनाएं हैं। तो अगर एक ही प्रति को दोनों लोग पढ़ के अलग अलग बता रहे हैं तो फिर आपको उसको देखना होगा और आपको क्या लग रहा है, वो 32 लग रहा है, 36 लग रहा है, 72 लग रहा है, तो ये डिपेंड करता है। फिर प्रश्न वही आता है कि किसी भी मूल स्रोत को हम जब देख रहे हैं, चाहे वो मटेरियल एविडेंस हो चाहे वो रिटन डॉक्यूमेंट हो, हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं या कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों ने अगर ऐसा लिखा है तो उन्होंने अपनी विद्वता के हिसाब से उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया होगा, और हो सकता है कि उसके कुछ और उनके पास सपोर्टिव एविडेंस हो या कुछ दूसरे सोर्सेस हो जिसके आधार पे उन्होंने ये, तो
तो ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज को कैसे कहा गया है, और वो डिपेंड करेगा कि आप उसको फिर से एनालाइज करें और आपको पता चलेगा कि वो यानी किसकी गलती है, किसने गलत किया है, किसने सही किया। हो सकता है दोनों सही हो, क्योंकि वो जिन प्रतियों को पढ़ रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो जिस रूप में वहां ऐसा लगता हो, तो ये बहुत संभव है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी प्रतियां बनती रही हैं, यानी वो हस्तलिखित होते हैं, लिखने वाला भी गलती कर सकता है, और इनकी कई कई कॉपियां अवेलेबल हैं जिसमें अलग अलग शब्द आते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इन लोगों के कभी कभी जो वर्षन होते हैं जिसमें बहुत सारे उनको सबको मिला के फिर जो है लिखा जाता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्षन यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, तो ये संभव है। और ये जो है इसीलिए इतिहास लेखन बड़ी दुरू चीज है, यानी तो आप अगर ये स्पष्ट करें कि भाई फलानी प्रति के आधार पे हम कह रहे हैं, खाली किताब के नाम से नहीं होगा, कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा प्रति की बात आप कर रहे हैं, है ना। रामायण, महाभारत, वेदों की, पुराणों की कई सैकड़ों प्रतियां अवेलेबल हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप कौन सी प्रति के आधार पर ये बात कह रहे हैं, तब वो ज्यादा सटीक हो पाता है। जी सर, ये वैसे दोनों जो सोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो बर्न रत्नाकर का ट्रांसलेशन है सुनीति चटर्जी के द्वारा किया हुआ, उसका इन दोनों विद्वानों ने किया है। ट्रांसलेशन तो प्राइमरी सोर्स है ही नहीं, तो फिर ट्रांसलेशन की नहीं, इन दोनों ने जो यूज किया, इसीलिए हमने सर कहा कि दोनों ऑथेंटिक करते हुए कर रहे हैं। तो जब हम ओरिजिनल सोर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा, इसलिए हम यही कहना चाह रहे थे कि रीजनल जो वहां का एक मान्यता, जो क्षेत्रीय मान्यता है, परंपरा, उनको ध्यान में रख के जब चीजों को देखा जाएगा, एक आउटसाइडर अगर ओरिजिनल सोर्स को यूज भी कर रहे होते हैं तो उतना वो कनेक्ट अपने आप को उन चीजों से नहीं कर पाते हैं, जिसका शायद ये जो वेरिएशन आया है उसका कारण वही है होगा, शायद ये हमारी अपनी सोच थी सर। संभव है, संभव है। जी जी जी, आई थिंक सर एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा है जी। सर ने त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा विवेचन किया और हमें मार्गदर्शन भी मिला। सर प्री हिस्ट्री के क्षेत्र में सर ने बताया कि हमें स्टोन एज या प्रागैतिहास या पूर्व इतिहास या क्या लिखना चाहिए, या और जो स्टोन एज मैन है या स्टोन जो समय है स्टोन एज का, पाषाण युग का, तो उसमें मानव को आदि मानव लिखे या प्राग मानव लिखे या आदि मानव लिखे या स्टोन एज मैन लिखे, क्या लिखे सर, क्या उचित रहेगा सर? नहीं देखिए, प्रश्न ये है कि मेरी अपनी सोच हो सकती है, मैं कभी नहीं मानता कि मैं एक अथॉरिटी हूं कि मैं जो कहूं वो माना जाए। इसीलिए मैंने कहा कि विद्वानों को, हमारे यहाँ एक समस्या यही है कि हर विद्वान जो है ना कुछ नया कहना चाहता है। देखिए हम सभी मानव हैं, एक बात और समझ लें कि हमारे अंदर जो है ना वो अमर होने की एक जिज्ञासा होती है। सही। हम किसी ना किसी रूप में अमर होना चाहते हैं, तो मैं एक नया टर्म चला जाऊं तो मेरे बाद लोग उसको कॉपी करें कि ये शब्द जो है उन्होंने दिया था, या मैं कुछ बना जाऊं, जो मंदिर बना के गए हैं, वो बड़े बड़े जो स्मारक हैं वो लोगों ने इसलिए बनाए कि उनके मरने के बाद लोग उनको याद करें। जी, ये मानव की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपना कुछ बना के दे के जाए, तो हमको इससे उबरने की जरूरत है कि विद्वान जो है एक संगोष्ठी में बैठे, तर्क वितर्क करें, वाद विवाद करें, शास्त्रार्थ करें, और सब मिलके निर्णय लें कि नहीं ये शब्द जो है, ये टर्म जो है, ये उपयुक्त है, हमको ये कहना चाहिए। तो वो किसी व्यक्ति से नहीं आना चाहिए, वो एक समूह से आना चाहिए, और हमारी जो एसोसिएशन हैं, एकेडमिक एसोसिएशन, उनको इस विषय में काम करना चाहिए। सर जी बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर फॉर एंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, एंड नाउ आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इफ देयर आर नो क्वेश्चंस कमिंग फॉरवर्ड। And we have among us a very multi-dimensional scene. Yeah, sir, you wanted to say something? Am I audible? Yes, sir, you are audible. You know, first of all, I would like to congratulate Professor Alok Tripathi. Sir, you disseminated such an information and it's a need of the time. First thing. Second, you know, what's your perception? Sir, if I say that first of all, such type of the changes should occur in a research, then it should be percolated to the teaching. Because, you know,
in very large group who involved in the teaching, they never involved themselves in the in research age. And if we complete this type of the things in the research age, then it will be very easy for us to percolate all the information, to disseminate all the information to the teaching group. So what's your perception? Yeah, see, I agree completely what you say. See, the problem is there is a process. Read, correct, understand, and then teach. लेकिन होता क्या है कि हम रीड एंड टीच करते हैं. एज अ टीचर आई एम सेइंग, एज अ प्रोफेसर आई एम सेइंग कि आधी चीजें जिसको हम समझते ही नहीं है वो भी हम पढ़ाते हैं. समस्या वहां पैदा होती है कि जिस विषय को हम स्वयं नहीं समझते वो हम पढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि हमने किसी किताब में या किसी से पढ़ा और जाके बच्चों को वही पढ़ा दिया. समस्या यहां आती है. करेक्ट. यानी आई रिकॉल एक बुद्ध की घटना है कि एक बुद्ध के पास एक औरत गई कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आप इसको कह दीजिए कि गुड़ मत खाया करो, अच्छा नहीं है. तो बुद्ध ने कहा तुम 7 दिन बाद आना. फिर वो औरत गई तो बुद्ध ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो. तो उसने पूछा कि आपने इतनी सी बात कहने के लिए 7 दिन क्यों लगाए. तो उनने कहा कि जब तुम आई थी तो मैं गुड़ खाता था. तो प्रश्न ये है कि जो हम नहीं करते या जो हम नहीं जानते जब हम वो पढ़ने लगते हैं तो समस्या होती है. तो जरूरी है कि रीड, अंडरस्टैंड एंड देन टीच. आई थिंक दैट विल टेक केयर. हाँ, अंडरस्टैंडिंग में अंतर हो सकता है. मेरी सोच, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग से अलग हो सकती है और उसमें हम लोग अलग अलग पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाना होगा वो ज्यादा सार्थक होगा. अभी तो सिर्फ इधर वही है कि कॉपी एंड पेस्ट वाला बात हो गई कि कॉपी किया और पेस्ट कर दिया विदाउट एनी चेंज. सर हाँ हाँ नहीं नहीं यू आर करेक्ट सर. बट टू एड दिस, मेजोरिटी ऑफ द डिग्री कॉलेजेस हैव नो फैसिलिटी फॉर द रिसर्च. इवन दे डोंट हैव एनी गुड लाइब्रेरी. आई पर्सनली विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस. यू नो द टीचर्स आर वेरी इंक्यूजिट. They devote themselves in teaching. They understand the things, but they don't have any apparatus to carry the research. True, true. It's my sir. Yeah. Good. The point which I missed and I wanted to tell you. Now we are talking in history, Stone Age, Copper Age, Iron Age, but actually now we are in this age. This old tool has changed the society and the world. And with this, I can assess any library in the world. तो मुझे जहां तक लाइब्रेरी का प्रश्न है, मैं अपने इस मोबाइल से कोई सा भी डॉक्यूमेंट असेस कर सकता हूं. अगर मैं इस पे बैठ जाऊं आधे घंटे में, मुझे जो रिपोर्ट देखना है मैं इसमें उसको डाउनलोड करके पढ़ सकता हूं या ओपन करके पढ़ सकता हूं. तो आज ये बात कहना, ये बात पिछली पीढ़ी के लिए बहुत प्रासंगिक थी कि हमारे पास लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं है, हम बाहर किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते. इसमें बैठ के मैं लॉस एंजल्स की लाइब्रेरी में या लंदन की लाइब्रेरी में या जो है इस्तांबुल की लाइब्रेरी की किताबें और उनके डॉक्यूमेंट आई कैन असेस. तो वन थिंग अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो सार्थकता खत्म होती जा रही है क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर हम अपने को अपडेट करके और प्रासंगिक नहीं बना पाए तथ्यों के आधार पर, तो लोग जो है इसको जेब में लेके घूमेंगे और हम जो है डस्टबिन में पड़े होंगे. ये बात हमको स्वीकार कर लेनी चाहिए. करेक्ट. नहीं, बिल्कुल करेक्ट सर. एंड सर, नो डाउट, वेरी फैंटास्टिक लेक्चर. एंड सर, इट रियली एनलाइटेड द हिस्टोरियंस एंड टीचर्स कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. Well, thank you, sir. And among us, we have a multidimensional senior scholar who is writer, teacher, social worker, who has spent decades in research and publication, Dr. Puran Sehgal. Dr. Puran Sehgal, he has published 82 books so far, and he always tried to work on the people who are marginalized, like disappearing Kalbia Banjara community. And may I now request Dr. Puran Sehgal, sir, to say a few words, please? Thank you.
हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना। मुझे लग रहा था कि ये बंद नहीं हो, थोड़ी देर और बोलते रहे, हमारा ज्ञान जो है और ज्यादा बढ़ता है। पहली बार मुझे लगा कि इतिहास इतना रोचक नहीं होता है। जो लोगों की धारणा है कि इतिहास जो है एक ऐसा विषय है जिसको सुनने में, याद रखने में, समझने में बड़ा ऐसा लगता है कि कब बंद होगा और कब हम कुछ और नया सोचने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात जो कही है त्रिपाठी जी ने वो ये कही है कि सोच सबकी अलग अलग होती है। दो आदमी की एक सोच कभी नहीं हो सकती। और मैं मेरे ढंग से सोचूंगा। मान लीजिए कि एक मूर्ति त्रिपाठी जी ने खोद करके निकाली है, उत्खनन करके निकाली है, तो त्रिपाठी जी अपनी बात रखेंगे कि ये मूर्ति जो है उस सन की है, उस संवत की है या उस देवी देवता की है। लेकिन मुझे लगेगा नहीं, ये लक्ष्मी की नहीं हो सकती। अगर लक्ष्मी की होती तो कहीं ना कहीं इसके हाथ में कमल होता या कुछ ऐसा प्रतीक होता। मैं कहूंगा नहीं, ये तो पार्वती है। तो मेरी सोच भिन्न है, मेरा ज्ञान भिन्न है और त्रिपाठी जी का ज्ञान भिन्न है। तो दो आदमी का एक जैसा ज्ञान, एक जैसी ऐसा दृष्टिकोण कैसे हो सकता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही है, और मैं अक्सर कहता हूं कि हम मूल स्रोतों पर जाएं, जहां जड़ है, हम जड़ के पास जाकर के देखें कि ये वृक्ष पैदा कहां से हुआ। जब तक हम मूल स्रोतों में नहीं जाएंगे, और मैं तो आगे बढ़ के कहता हूं कि हम जो मौखिक हमारे पास वाचिक जो परंपरा है, एक बार उनको भी हम देख लें, उन पर भी विचार करें। हो सकता है कि उन मौखिक परंपराओं में, वाचिक परंपराओं में, वाचिक साहित्य में कुछ न कुछ हमें इतिहास जैसा महत्वपूर्ण मिल जाए जो इतिहास को नया मोड़ दे सके। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इतिहास जब भी ठिठक कर चौराहे पर खड़ा हो जाता है तो लोग सहित उसकी उंगली पकड़ करके उसको मार्ग दिखा देता है। लेकिन कभी कभी लोक साहित्य भी ठिठक जाता है, तब इतिहास उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन जब दोनों ठिठक जाते हैं, दोनों को मार्ग नहीं मिलता है, तब पुरातत्व, जिसे मैं तीसरी आंख कहता हूं, वो उन दोनों की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए हमें मूल स्रोतों के साथ साथ में इन तीनों दृष्टियों को भी समझना, देखना पड़ेगा और उस पर विचार करना पड़ेगा। और बड़ी बात जो कही है त्रिपाठी जी ने वो ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्या होता है, क्योंकि हमारी सोच तो सीमित है, इतनी आगे नहीं हो सकती जितनी हम सोचते हैं। इसलिए इतिहास को हमें आगे की ओर सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास जड़ नहीं है, उसमें शाखाएं निकलती हैं, अंकुरित होता है, उसमें बदलाव आता है। जब मैं नया शोध लाऊंगा तो मैं मेरे ढंग से घटना को प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जब हम गुलाम हुए तब हम आधुनिक हो गए, और जब हम गुलाम नहीं थे तब बर्बर थे, अमानुषिक थे। तो ये हमारा दृष्टिकोण जो बदला है कि इतिहास पुरातत्व है, प्राग इतिहास है, वर्तमान इतिहास है। तो ये सोच हमें अपनी अपनी दृष्टिकोण पर निर्धारित करती है। आज का ऐसा महत्वपूर्ण व्याख्यान हमने सुना और मैं ये समझा कि इतिहास कभी भी व्यतीत नहीं होता, वो हमेशा प्रतीत रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब वो समाप्त हो गया है और अब नया इतिहास शुरू होगा। हमारा इतिहास जब से हम जानते हैं, जब से हम समझते हैं, जब से हम पढ़ रहे हैं, वो चाहे इतिहास हो चाहे साहित्य हो, क्योंकि हमने पहले साहित्य में इतिहास को पैदा करने की कोशिश की और वही हमें इतिहास ढूंढना पड़ेगा, और उस इतिहास को ढूंढ करके उस पर परिशोधन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें इतिहास कहाँ है। और इस प्रकार यदि मूल स्रोतों पर जा करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा इतिहास हमारे दृष्टिकोण से होगा। अंग्रेजों ने लिखा है, बहुत अच्छी बात कही है त्रिपाठी जी ने, अंग्रेजों ने लिखा है उनका अपना दृष्टिकोण था। वो कहते थे टंटा भील डाकू है,
और मैंने लिखा है कि डंडा भील जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, मेरी किताब आई है। लोग कहते थे कि साहब ये जो क्रांतिकारी हुए हैं वो अतिवादी थे, अंग्रेज लिखेंगे क्यों, उनके लिए वो अतिवादी थे, लेकिन हमारे लिए वो क्रांतिकारी थे, हमारे देश के लिए मर मिटने का जज्बा उनमें था, वो देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग करने के लिए तत्पर थे। तो दृष्टिकोण तो भिन्न होगा, उनका दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, हमारा दृष्टिकोण अपनी जगह सही है। आज बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ, और उस पर जो प्रश्न हुए वो प्रश्न भी बहुत तार्किक थे और बहुत ही सहजता से हमारे त्रिपाठी जी ने उनका समाधान किया है, ऐसा बहुत ही अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए हमारे जो आयोजक हैं संजय स्वर्णकार जी, उन्होंने हम लोगों ने ये एक मिशन बनाया है कि इतिहास के पटल पर हम ऐसे 12 नक्षत्र स्थापित कर दें, प्रतिष्ठित कर दें, जिससे हमारा इतिहास एक नई बात लेकर के, एक नई सोच लेकर के, नया दृष्टिकोण लेकर के हमारे सामने आए। जिस दिन हम ये 12 नक्षत्र 12 राशियां कुछ स्थापित कर देंगे इतिहास के पटल पर, तब आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ में, विशेष करके संजय स्वर्णकार जी की जो योजना है हम उसमें जुड़े हुए हैं, हम तो डिब्बे हैं उनके साथ जुड़े हुए, इंजन तो वही हैं और वो चला रहे हैं हमको, और कितनी तत्परता से वो काम करते हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, बल्कि उनके मिशन को, उनके काम करने के सलीके को सलाम करता हूँ, और त्रिपाठी जी को धन्यवाद देते हुए, उनका वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार फिर उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। सर आई होप आई एम ऑडिबल प्रोफेसर प्रकाश सर। यस 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 सर, कैन यू हियर मी? या या या, हेलो, कैन यू हियर? हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल, यस यस, हेलो हेलो सर, यस यस रवि सर, कैन यू हियर मी? यस यस यस, ओके ओके देन। सर प्लीज अनम्यूट सर। रवि सर प्लीज अनम्यूट। सर I think some problem. Yeah, yeah. Hello, can you hear me now? Yeah. Can you hear me now? I joined from mobile. Yes, sir. There was some problem in my laptop. Sorry for the interruption, technical delay. Well, okay, now we are moving on to the next. And I thank Dr. Saigal, sir, for such a profound, simple but profound word that comes from a lot of wisdom and experience. Now, may I request Professor Alok Kshotriya, Dean, Faculty of Yoga and Head of the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, to propose formal vote of thanks, please. Thank you, Dr. Khangai ji. Madhya Bharati Itihas Anusandhan Pratishthan apne vishisht shodh upakramo ke liye jana jata hai. Chahe wo sangoshthiyon ka ayojan ho, प्रकाशनकार हो या व्याख्यान मालाओं का आयोजन, उसी कड़ी में आज 22 सितंबर 2021 को प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी के महत प्रयासों से एक अत्यंत उत्तम अकादमिक व्याख्यान संपन्न हुआ। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी
जो अकादमिक जगत के लिए, लेखन जगत के लिए तथा मूल स्रोतों के आधार पर इतिहास के प्रणयन के लिए जाने जाते थे, उनका चला जाना इतिहास के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। हम सभी मिलकर उनके द्वारा जो उपक्रम आरंभ किया गया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी हम सभी को बांधने वाली कड़ी है। उनका उपक्रम, उनका परिश्रम, उनकी तत्परता, उनका अध्यवसाय और उनकी निष्ठा इतिहास के प्रति निश्चय ही हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आती है। किसी कड़ी में आज प्रोफेसर सुरेश मिश्र व्याख्यानमाला का तृतीय व्याख्यान संपन्न हुआ। प्रोफेसर के एन दीक्षित साहब को हम लोग इस मंच पर सुनना चाह रहे थे। उनके स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रोफेसर त्रिपाठी जी का व्याख्यान हुआ। प्रोफेसर त्रिपाठी जी ख्यातिलब्ध विद्वान हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक प्रोफेसर के रूप में, एक पुरातत्वविद के रूप में, जल तलीय पुरातत्व के क्षेत्र की भारतवर्ष में प्रतिष्ठा के लिए जो अध्यवसाय, जो प्रयास उन्होंने किए, सागर तल की गहराइयों में गोता लगाने के साथ साथ भारतीय इतिहास के मूल स्रोतों, पुरातत्व की प्रविधियों तथा पुरातत्व की आधारभूत प्रणालियों में भी गोता लगाने में उन्हें महारत हासिल है। ऐसे प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी का व्याख्यान सुनकर हम सभी अभिभूत हैं। उनके प्रति हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य भारतीय इतिहास अनुसंधान प्रतिष्ठान की ओर से। प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने अपना अमूल्य समय हम सभी को प्रदान किया, उसके लिए उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। हम सभी के वरिष्ठ डॉक्टर पूरन सहगल जी, जो मध्य भारतीय इतिहास अनुसंधान प्रतिष्ठान के संरक्षक भी हैं, उज्जैन में श्री कावेरी शोध संस्थान में कई बार उन्हें सुनने का हमें अवसर मिला है। इतिहास के स्रोत कहे जाते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और सहगल साहब ने बताया कि वाचिक परंपरा, इसमें हम अनुश्रुतियों को लेते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इतिहास, पुरातत्व तथा वाचिक परंपराएं, अनुश्रुतियां सब मिल करके हमारा राह प्रशस्त करती है इतिहास की वास्तविक पुनर्रचना में। जैसा कि त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कुछ भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, कुछ भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इतिहासकार की दृष्टि से पुरा अवशेषों की व्याख्या करने वाले पुरातत्वविदों की दृष्टि से उसमें भिन्नता निश्चित पाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में पूरन सहगल जी ने जो पूर्वजों से चली आ रही परिपाटी है उसको सम्मान देने के लिए वाचिक परंपरा पर प्रकाश डाला। संपूर्ण सत्र की अध्यक्षता के रूप में उन्होंने अपना विद्वत व्याख्यान दिया। आदरणीय डॉक्टर सहगल साहब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एम के कुंडीर साहब ने विषय की रूपरेखा आधार पीठिका तय की, इतिहास और पुरातत्व के अंतर संबंध, इतिहास पुराण की परिपाटी, मिथक और इतिहास में किस तरह से अंतर स्थापित होता है, यह सब कुछ स्पष्ट करने की चेष्टा उन्होंने आरंभ में की। उनके प्रति भी मध्य भारतीय इतिहास अनुसंधान प्रतिष्ठान की ओर से और स्वयं अपनी ओर से आभार देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी के प्रति तो मैं कह ही चुका कि ये उन्हीं का उपक्रम है जिससे इतना अच्छा अकादमिक व्याख्यान संपन्न हो पाया। इसके साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रशांत गौरव जी, जिन्होंने सभी का परिचय भी प्रस्तुत किया, सारी रूपरेखा प्रस्तुत की। डॉक्टर रवि खंगई, जिन्होंने सफल संचालन किया संपूर्ण संगोष्ठी का, उनके प्रति, प्रशांत जी के प्रति, रवि जी के प्रति हार्दिक आभार है। डॉक्टर किश्वर जहां, सुश्री मालिनी, श्री रशीद खान, डॉक्टर चारू चित्रा, डॉक्टर चारू कटारे तथा प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी की समिति के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस आभासी माध्यम से
जुड़ने के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया, सभी प्रकार से समन्वय करने में और प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दिया, विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े उसके लिए उन्होंने योगदान दिया। इसके अतिरिक्त जितने विद्वज्जन सुधी श्रोता और विद्यार्थी आज के इस समारोह से जुड़े रहे हैं उन सभी के प्रति मध्य भारतीय इतिहास अनुसंधान प्रतिष्ठान की ओर से मैं आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसा कि बताया गया कि इतिहास की परिपाटी, जब महाभारत हमसे कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववत्त कथायुतम इतिहासम प्रचक्षते, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा को समन्वित बातों को लेकर के महाभारत बताता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहने लगता है कि पुराण इतिवृत्त आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र च इतिहास, तो वही बात पूरन सहगल जी लेकर के आए, आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी उसी चीज को बताया कि, और पुंडियो साहब भी बता रहे थे कि पुराण इतिवृत्त आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र सभी को समन्वित रूप में लेकर के हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं, और इसीलिए इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा भी दे दी गई। कलहण की बात जब कर रहे थे माननीय त्रिपाठी जी और अन्य वक्तागण, तो राग द्वेष कितना होगा, विषयनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, सारी चीजों को लेकर कलहण भी दिशा निर्देश देता है हमको कि श्लाघ्य स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कता भूतार्थ कथने यस्य स्थे से सरस्वती। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम राग द्वेष से हट करके इतिहास लेखन की चेष्टा करें, लेकिन त्रिपाठी जी ने बताया कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है, मनुष्य होने के कारण मन है, सबके अपने अपने विचार हैं, परिणामतः उसमें विषय निष्ठता हो जाती है, उतनी वस्तु निष्ठता पाई नहीं जाती। इसीलिए कल्याण कहता है कि दाक्षं कियदिदं तस्मादस्मिन् भूतार्थ वर्णने सर्व प्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः, कि सभी प्रकार के जो हमारे स्रोत हैं, चाहे साहित्यिक हो, चाहे पुरातात्विक हो, चाहे वाचिक परंपरा के हो, सभी का परीक्षण करें और सही इतिहास रचना करने का चेष्टा करें। अपने उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, जैसा त्रिपाठी जी बता रहे थे कि अंग्रेजों की जो परिपाटी थी उनकी मूल भावना उसमें देखी जानी चाहिए। आप कोरिलेट कर लें, 1857 की क्रांति होती है और 1861 में सलिंगम को दायित्व दे दिया जाता है। हमारे जो खंडहर थे, ध्वंसावशेष थे, जो स्मारक थे, वो क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तो प्रच्छन्न रूप से कनिंघम का एक उन मॉन्यूमेंट्स की तरफ प्रयाण भी था जो देश की राजनीतिक स्थिति को कहीं न कहीं सहायता पहुंचा रहा था 1857 की क्रांति के बाद। तो यही बात त्रिपाठी जी लेकर के आए कि उनकी नियत भी देखी जानी चाहिए। जॉर्ज ब्यूलर ने ब्राह्मी लिपि सीखी, विंसेंट स्मिथ ने विभाजन अलग ढंग से कर दिया, जेम्स मिल का विभाजन क्या था, कनिंघम का, जॉन मार्शल का, जेम्स प्रिंसेप का, इनके योगदान को, जॉर्ज ब्यूलर के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनका अध्यवसाय, कैसे ब्राह्मी लिपि सीखी, कैसे विदेशी भाषाएं उन लोगों ने सीखी, निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है, लेकिन तब भी उसके पीछे छुपे हुए मंतव्य को भूलना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात आज त्रिपाठी जी ने सब लोगों को बताई, और वो निश्चित रूप से सीखने की चीज है कि हम कैसे नीव क्षीव विवेक कर पाए किसी भी उपक्रम को लेकर के। आज पुरातत्व में पुरावशेष और मानव अतीत दोनों यहां सम्मिलित हैं। पुरातत्वविद पुरावशेषों को जब निकालता है तब उनकी व्याख्या करता है, क्या उनका आकार है, क्या उनका साइज है, किस धातु के ये बने हुए हैं, मृदभांड खंड किस आकार का है, और जब उसका वर्णन करके मानवीय संदर्भ से हम जोड़ने की चेष्टा करते हैं तो इतिहास में परिवर्तित हो जाता है। तो पुरावशेष और मानव अतीत, ग्लेन डेनियल और ग्राहम क्लार्क ने जब मिला करके परिभाषा दी, तो पुरावशेषों से जब मानव अतीत की परिभाषा में हम जाने लगते हैं, तो पुरातत्वविद जब रिपोर्ट लिखने लगता है, मानवीय संदर्भ दिखाने लगता है, इतिहासकार बन जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में पुरातत्व और इतिहास दोनों एक मंच पर जुड़े, उनकी गहराइयों को, उनकी स्पष्टताओं को और उनके निहितार्थों को समझाने का प्रयास माननीय प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी ने किया, डॉक्टर पूरन सहगल जी ने एक समाविष्ट करते हुए समस्त बातों को लेते हुए हमें दिशा दी कि इतिहास, पुरातत्व तथा वाचिक परंपरा तीनों का हमको ध्यान रखना चाहिए, और प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी के संगठन के तले जिससे हम सक्रिय रूप से सभी लोग जुड़े हुए हैं आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने अपना समय निकाल करके इस
अकादमी के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद और आलोक जी की हिंदी सुन के आनंद आ गया। आलोक श्रोत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इतने अच्छे आभार के लिए और इतना अच्छा विश्लेषण भी किया आपने। रवि खनगई जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और आलोक त्रिपाठी जी आपके लिए मैं क्या कहूं। इन परिस्थितियों में कि 3 दिन पहले जब ये जानकारी मिलती है कि दीक्षित जी बीमार हो गए हैं और उनकी अवस्था भी है, तो ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम को नियत समय पर नियत दिन संपन्न करना हमारी एक महती जिम्मेदारी थी और इस बात को निश्चित रूप से आप समझ सकते थे और आपने उस चीज को समझा, हमारे आमंत्रण को अनुरोध को स्वीकार किया और इतने अच्छे ढंग से इतने कम समय में जो भी आपने तैयारी की होगी या ऑलरेडी आप तैयार रहे हैं इन चीजों के लिए। और इतिहासकार जो इतिहास के शोधार्थी विद्यार्थी यहाँ मौजूद थे उनको मैं देख रहा था कि पूरे तन्मयता के साथ वो आपको सुन रहे थे सर, और वो एक आवश्यकता थी, आवश्यकता है आज के दौर में जब इतिहास के लिखने वाले, इतिहास को समझने वाले और इतिहास के शोधार्थी विद्यार्थी पुरातत्व के बारे में, पुरातत्व के महत्व के बारे में सुने समझें और उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बात को रखा। आलोक जी मैं बहुत ही हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है, जिस विश्वास के साथ मैंने आपसे कहा था उसी विश्वास के साथ मैं फिर इस बात को कहूंगा कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी आप हमारे लिए अवश्य उपस्थित होंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे, हमें सहयोग देंगे। इसी तरह से मैं बाकी अपने सभी साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा, चाहे पंडित जी हों अलीगढ़ से, आलोक जी अमरकंटक से, रवि खनगई जी नागपुर से, आप सभी लोग, संजय जी बैठे हुए हैं उत्तराखंड से, आप सभी लोगों ने बहुत कम समय में, मैंने जैसे ही आप लोगों को संपर्क किया और अपनी मंशा बताई कि इस तरह से आपको सहयोग करना है इस कार्यक्रम में, प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी के साथ आप सभी लोगों का जो एक लगाव है उस लगाव का ये सुपरिणाम है कि हम इतना सार्थक कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। हमारे बीच सुरेश मिश्र जी के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, श्याम दुबे जी, मनीषा दुबे जी, प्रज्ञा अवस्थी, अमिताभ अवस्थी, आप सभी परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रियंका जी, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और CIHRF के संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्याएं भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर मंजू दुबे, डॉक्टर प्रभास समीर अवस्थी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी मिलकर एक जो एक यज्ञ हमने किया हुआ है प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी की स्मृति में, निश्चित रूप से ये मंथली लेक्चर है, मेमोरियल लेक्चर हम मंथली कर रहे हैं और लंबे समय तक ये चलेगा और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इतिहास विषय को लेकर, प्राचीन भारतीय इतिहास विषय को लेकर, पुरातत्व को लेकर बात करते रहेंगे। और आलोक जी को हम एक बार फिर से सुनेंगे नेक्स्ट, जब भी हमारा विचार होगा सामुद्रिक विज्ञान को लेकर और सामुद्रिक इतिहास को लेकर जो आपने स्टडी की है, इस पर पहले से ही मैंने तय कर रखा था सर, ये तो एकदम से ऐसा अवसर आ गया जब हमें आपको इस विषय पर सुनना पड़ा। नेक्स्ट जब होगा तो आपका मरीन हिस्ट्री के ऊपर होगा और आप सभी लोगों का, सभी साथियों का जो भी CIHRF के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं या प्रोफेसर सुरेश मिश्र मेमोरियल ग्रुप के जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं या सुराज संस्थान ग्रुप के जितने भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू राशिद भाई, बहुत बहुत बधाई संजय जी आपको। विनय जी काफी लेट हो गए थे, विनय जी आप
भी अभी लौटा संजय जी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था उसकी मीटिंग वगैरह में व्यस्त थे। अन्नपूर्णा मैडम, हाँ अन्नपूर्णा मैडम मौजूद हैं। मैडम आपको याद कर रहा था मैं। हाजिर है, मैं पूरा सुना इस बार तो। जी हाँ, आज आप पूरे समय मौजूद थे। जी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सारा हो रहा है। नहीं सर ने आपको बराबर चुना है, अच्छा ही होगा। सैगल सर प्रणाम। जय हो, नमस्कार। सैगल सर आपको प्रणाम। और खान गई सर, खान गई सर तो सुना, और मैंने खान गई सर चले गए क्या? आज मैं बहुत ही अभिभूत हूँ जी सर। सर आप आपका भी बहुत अच्छा रहा। एक बोलते हैं हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप, अभिभूत थे मतलब। मैं अभिभूत इसलिए था जी, पहली बात मुझे ये लगा कि एक इतिहास का इतना अच्छा साहित्यकार भी हो सकता है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं किसी इतिहासकार को सुन रहा हूँ या किसी साहित्यकार को सुन रहा हूँ। यानी इतिहास में रुचि पैदा करने के लिए जो उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपनी बात कही है, जो वो बहुत ही अद्भुत थी, उससे मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतिहास को कितने अच्छे ढंग से कैसे पेश कर गए वो। जी 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 अद्भुत है, अद्भुत है उनका व्याख्यान। संजय जी आप चुप बैठे हुए हैं? हाँ सर। हाँ चुप बैठे हुए संजय जी, मजे में। नमस्कार सब लोगों को, सागर सर को नमस्कार, संजय जी, संजय जी को नमस्कार, दोनों संजय को नमस्कार। जी 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 नमस्ते, नमस्ते। पूरन सर को प्रणाम। मैं अपना नाम बदलने जा रहा हूँ, संजय स्वर्णकार जी के बदले मेरा नाम जो है सो बिल्कुल आ जाता है, मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। बहुत लोग मुझे फोन कर देते हैं और मैं बताता हूँ मैं संजय स्वर्णकार जी नहीं हूँ, मैं उनकी टीम का जो है जूनियर मेंबर हूँ। ठीक है, वो तो आदमी ठीक है ना, तो सर जुड़े रहते हैं ना इस तरह, संजय के साथ जुड़े रहते हैं।